Hello, future officers. My name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS, a platform which has more than 25 years of experience and has given out more than 2200 positive results since 1999. Every serious aspirant knows ki agar aapke current affair sorted hai, that means you are practically ensuring your selection in any civil service for that matter. Now, this video is part one of the series जहां पे आपको पिछले वीक के करंट अफेयर्स का एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा. पार्ट वन है ये. कल एक और वीडियो रिलीज होगी जिसमें प्रीवियस वीक के हॉट टॉपिक्स जो हैं उसका एक लेक्चर जो है आपके सामने यहां पे रिलीज किया जाएगा. सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी अपडेट उसमें जो है मिस ना करें. लिंक के अंदर जब जाएंगे वहां पे आपको उस डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही कंप्लीट कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा जिससे कि आपके करंट अफेयर्स पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएंगे. वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट में जाते जाते मैं आपको उस कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा. फॉर नाउ टेक द प्रिंटआउट्स, सिट विद द पेन एंड द अटेंटिव माइंड्स. लेट्स बिगिन. स्टोन कॉफिन है ना, उसको स्टोन कॉफिन को सिस्ट कहा जाता है. और इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर अगर आप देखोगे जो एक पॉइंट सो एक पॉइंट यहां पे गिवन है कि इन इंडिया दीज आर कंसंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मेनली विदर्भ, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. बेसिकली डेक्कन इंडिया एंड साउथ सदर्न इंडिया, वो वहाँ पे आपको मोस्टली ये मिलेगा. और संगम एज भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है बाय द वे, तो ये वहाँ से रिलेटेड है. एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस दैट विदर्भ रीजन इट इंक्लूड्स टू डिविजन्स बाय द वे, दिस अमरावती डिवीजन एंड नागपुर डिवीजन. इन दो डिवीजन्स को विदर्भ रीजन कहा जाता है. सो देर इज दिस स्टडी दैट इज आउट देयर जो बोलता है कि जैसे इंडिया में राइट नाउ there are less than 30 states, right? So 72 states should be formed in India agar hum current criteria ko follow kare. So it jaise aapke Punjab mein teen major hisse hain, Majha, Malwa, Doaba, वैसे ही आपको हर स्टेट के अंदर ऐसे रीजन्स देखने को मिलते हैं. आपके पास यहाँ पे विदर्भ रीजन है, देन आपके पास गुजरात में सौराष्ट्र रीजन है. सो इवेंचुअली जब आप एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा रिफाइन करना चाहोगे और लोग और ज़्यादा पावर को डिल्यूट करोगे नीचे, तो अल्टीमेटली ऐसे ही जाने वाला है. जस्ट ये ट्रिविया है साइड पे, जस्ट फूड फॉर थॉट का. अगर कभी यू कम अक्रॉस सच अ स्टेटमेंट है ना कि इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को बढ़ाना या कम करना है, सो देर इज ऑलरेडी दिस थ्योरी आउट देयर कि जिसमें इंडिया के 72 पार्ट्स को डेजिग्नेट किया हुआ है कि ये पार्ट्स इंडिया के होने चाहिए. हाउ डू वी डेजिग्नेट अलग अलग पार्ट्स में इंडिया को, दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ द इशूज एंड द सोल्यूशंस. जितनी होमोजीनियस प्रॉब्लम होएगी हम उतना कॉमन सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, राइट? चलिए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं हम. तिरुनव्य
सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तिरुनव्य, टी आई आर यू एन ए वी ए वाई ए, तिरुनव्य, टी आई आर यू एन ए वी ए वाई ए, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भारत पूजा रिवर, बी एच ए आर ए टी एच ए पी यू जेड एच ए, भारत पूजा. इट इज द लैंड ऑफ द एंशियंट फेस्टिवल ममंकम, एम ए एम ए एन के ए एम. एम ए एम ए एन के ए एम. ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें आई हैं, एक रिवर के बारे में आया और एक हमारा ये एंशियंट फेस्टिवल आया. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के ऊपर हम कुछ कुछ लिख लेते हैं. शॉर्ट नोट, भारत पूजा रिवर के ऊपर लिख लेते हैं पहले. ऑल्सो नोन एज नीला, एन आई एल ए, और पोनानी, पी ओ डबल एन ए एन आई. ये स्टेट एग्जाम्स में थोड़ी सी टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वो एक्चुअल नाम नहीं यूज करते नदियों का, वो ऐसे लोकल नाम यूज कर देते हैं. सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, फर्स्ट कौन सी है? एनीवन, फर्स्ट कौन सी है? पेरियार रिवर, आफ्टर पेरियार, पी ई आर आई वाई ए आर, पेरियार. सोर्स है इसका अनमलाई हिल्स, ए एन ए सोर्स, जो जहां से निकलती है नदी, शुरू होती है. सोर्स अनमलाई, ए एन ए एम ए एल ए आई. जिन लोगों को अभी तक इंडिया के हिल्स वगैरह याद नहीं है वो लोग इसकी तैयारी कर लें साथ साथ में. आज आपके पास मौका है, हिल्स का नाम आ गया तो मेजर हिल्स ऑफ इंडिया, राइट? सो इसको देख के इसको अभी याद कर लेना, बिल्कुल ही पोस्टपोन मत करना. ये आपके नज़र में आएगा ही नहीं वैसे, ये जब स्टैटिक पढ़ते हैं ना दिखता नहीं है उधर कि सारी हिल्स हम देख लें तो इंडिविजुअली. तो अभी इसकी अपने अभी मैप बनाओ, लिस्ट बनाओ और निमोनिक्स जोड़ दो साथ में, कौन सी कहाँ पे हिल्स हैं, किधर है जावड़ी हिल्स, किधर है अनमलाई हिल्स, की तरह ये सब कुछ नॉर्थ टू साउथ लगा के देख लेना. मतलब वो तो आप लगाओगे मैप में लगा रहे हो तो नॉर्थ टू साउथ कौन सी है वो देख लेना, ईस्ट की कितनी हिल्स हैं, नॉर्दर्न हिल्स कितनी है, हिमालय की कितनी रेंजेस हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ये सारा अभी मौका उठा तो ये कर लेना साथ में, ठीक है? स्कोर अच्छा आ जाएगा. एंड माउथ है इसका लक्षद्वीप सी, माउथ माने जहाँ पे वो एंड होती है, माउथ इज लक्षद्वीप सी. लेट्स राइट अबाउट ममंकम फेस्टिवल. सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स, सेलिब्रेटेड वंस इन 12 ईयर्स, कुंभ की तरह. Finds tie with Zamorin, Z-A-M-O-R-I-N. ये medieval history के जो ruler थे वो वाले. And also finds relevance in
चेरा डायनेस्टी? सी एच ई आर ए। हाँ साउथ की तीन मेन एंशियंट डायनेस्टीज फेमस हैं, चोला चीरा एंड पांड्यास, राइट? तो उनमें से है ये। आई कैन गिव यू द नेम ऑफ सम रूलर्स ऑल्सो यहाँ पे, बट आई थिंक दैट इज नॉट रेलिवेंट। अगर इसके इसके ऊपर कोई सवाल आएगा तो रूलर्स का नाम आप वहाँ से डिराइव करोगे अपने स्टैटिक पोर्शन से, राइट? और वहाँ से एलिमिनेट करोगे कि सेम है या नहीं। इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, राइट? एंड दीज आर दी साइट्स ऑफ मेगालिथ्स इन इंडिया, राइट? सो आप सिर्फ थोड़ी सी लोकेशन देख लो कि मेजॉरिटी ऑफ साइट्स जो हैं आपकी वो कर्नाटका में है, एंड देन वी हैव केरला एंड देन वी हैव महाराष्ट्र, राइट? इसमें जो ये जूना पानी वाली साइट है आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, जूना पानी साइट इन नागपुर, दिस इज दी लार्जेस्ट। जूना पानी इन नागपुर महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट मेगालिथिक बरियल साइट। इन द कंट्री ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला, ASI के। आइडियली आपको ये सारी साइट्स और ये कहाँ पे हैं ये आपको नाम समेत याद होना चाहिए, प्रीलिम में कभी भी उनका दिमाग फिर जाता है, राइट? और कुछ भी आ जाता है। तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स जहाँ से सवाल आते हैं। आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन नहीं है ना जो ऑफलाइन बैठे हैं, ऑनलाइन वालों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए मूविंग ऑन, तो फोटो खींचनी है। अरे मैं इसको लगा भी दूंगा, उसमें डॉक्यूमेंट ऐड कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। चले आगे, आ जाओ इकोनॉमी में करते हैं एक करंट अफेयर। दिस इज पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। नाम से समझ में आ रहा होगा कि फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, क्रेडिट माने आपको लोन वगैरह, है ना? फ्रिक्शनलेस मतलब कि बीच में कोई अड़चन ना आए। सो अगर आपको बहुत ही आसान भाषा में इसको बताऊं मैं, ये ज्यादा कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट अ बोरोवर्स इंफॉर्मेशन। उनकी इंफॉर्मेशन को एक जगह एक्युमुलेट किया जा रहा है, जो लेंडर्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जितने लोग भी बोरोवर्स हैं उनकी एक जगह पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, दैट इज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, है ना? और इसके बाद में जितने भी लेंडर्स हैं जिन्होंने लोन देना है आपको वो इसको एक्सेस कर सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे होगा क्या, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ यहाँ पे। मतलब अगर कभी ना समझ में आ रहा हो ना, कि जैसे आपको सोचने को बोल दिया या आंसर पे है, आप ना स्टेक होल्डर्स डिवाइड कर दिया करो, जस्ट अ ट्रिक। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, स्टेक होल्डर्स डिवाइड कर दो। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? बोरोवर, लेंडर, सरकार, है ना, और इन जनरल इकोनॉमी, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं मेन। पहले तीन पे कौन आता है? बोरोवर्स, लेंडर्स एंड सरकार। अब सोचो लेंडर्स के लिए कितना फायदा है इसमें, हम कितने क्रेडिट रिस्क पे चलते हैं, जो लोन देता है उसका पैसा डूबा ही रहता है ना, क्रेडिट रिस्क रहता है हमारे यहाँ पे। कहाँ से आवाज आ रही है ये? रिकवरी ऑफ, मतलब वैसे रिकवरी ऑफ लोन पे नहीं जाएंगे ये, बट हमारा रिकवरी प्रोसेस पे कोई लेना देना नहीं है इसका। सोच के देखो, रिकवरी कुछ नहीं है इधर। नहीं, वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं, आप गलत समझ रहे हो, ये लोन देने से पहले का है कि किस किस को लोन चाहिए। लोन इजीली मिलेगा, ये बोरोवर्स का फायदा हो गया। हाँ परफेक्ट,
लेंडर्स के लिए बेस बढ़ गया कि मैं किस किस को दे सकता हूँ पैसा, है ना। और जो जितना ज़्यादा वर्दी होएगा, है ना, लेंडर्स के लिए फ़ायदा है कि यार मैं बेटर वाले को दे दूंगा। बॉरोअर्स के लिए फ़ायदा है कि वो अब उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लेंडर्स के पास चलेगी, है ना। चलिए थोड़ा देखते हैं इसको, थोड़ी और चीज़ें क्लियर होगी उसके बाद आपको और मज़ा आएगा इसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट में है, द पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट इज एन एंड टू एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। किसने डेवलप किया ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, अंडरलाइन कर लो उसको, विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ सेंट्रल बैंक, डायरेक्टली उसके अंडर आता है ये। क्या करेगा ये, सेकेंड पॉइंट के अंदर है, इट विल हेल्प इन सीमलेस डिसबर्सल ऑफ नॉन कोलेट्रल बेस्ड लोन्स। नॉन कोलेट्रल बेस्ड समझते हो, जिसमें कुछ गिरवी नहीं रखना होता, कोई गारंटी वगैरह नहीं, कुछ गिरवी नहीं रखना आपको। नॉन कोलेट्रल बेस्ड लोन्स फॉर MSME, किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स अप टू 1.6 लाख, ये उसकी लिमिट है, डेयरी लोन्स, पर्सनल लोन्स एंड होम लोन्स। इसमें एक एक मेजर पार्ट मिसिंग है, कौन सा वाला नहीं दे रहे हैं ये सोच के देखो, जो आप लोग भी मतलब जिस फील्ड में हो भी, एजुकेशन लोन्स, है ना। बाकी इसमें प्रायोरिटी सेक्टर का ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूड कर ही दिया है उन्होंने, एक एजुकेशन लोन वाला पॉइंट मिसिंग है इसमें, ठीक है। वर्किंग देखिए इसकी, द प्लेटफॉर्म हैज बीन डिजाइन टू हैव ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API। API साइट पे आप डैश डाल के लिख भी सकते हो, अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी कोई भी API होगा उसका यही काम होता है, अ सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरी दैट अलाउज टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर, दैट अलाउज टू एप्लीकेशंस टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, इसी पॉइंट के अंदर आगे पढ़ते हैं हम, फिफ्थ लाइन, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ बॉर्डर इन्फॉर्मेशन कैन मेक इट मच ईजियर फॉर द न्यू लोन एप्लीकेंट्स टू अवेल क्रेडिट फैसिलिटी। ये लाइन इसलिए पढ़ी है मैंने कि जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ बॉर्डर इन्फॉर्मेशन, ये एसेंस है इस पूरे करंट अफेयर का, ये है ये, इट इज़ नथिंग बट सेंट्रलाइजेशन ऑफ बॉर्डर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको सवाल आएगा वहाँ पे UPSC, अगर इस पे सवाल पूछेगी, ढंग का पूछेगी, वो यही होगा। और चारों ऑप्शन ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ चारों इसमें हो रहे हैं, लेकिन इसका कोर आइडिया ये है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ बॉर्डर इन्फॉर्मेशन। और कैसे करेंगे, इट इज एक्सपेक्टेड टू लिंक विथ सर्विसेज लाइक आधार, EKYC, लैंड रिकॉर्ड्स, है ना, और पैन वैलिडेशन, सैटेलाइट डेटा, वो वाला नहीं पर दूसरे वाला कि कौन से एरिया में क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। वो दो पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो लिख लेते हैं साथ में, है ना, ताकि आपको थोड़ा याद रहे कि वो भी पॉइंट्स हैं और वर्ड्स में कैसे डालते हैं। सिग्निफिकेंस, बेसिकली हम सिग्निफिकेंस के ऊपर बात करते हैं इसमें। अगेन लेट मी रिमाइंड, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, बच्चे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम क्लास में कवर कर रहे हैं आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसके साइड पर लिख रहे हैं हम। How do we put it? इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखते हैं। It ensures that credit services, साथ साथ लिख लेना, It ensures that credit services are extended to a larger set of borrowers. With good credit history, ऐसे लिख लो साथ में, with good credit history, credit history,
मे बी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्रेडिट 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 स्कोर होता है, एक सिबिल स्कोर आता है ना, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड लिख भी सकते हो आप। तो सिबिल स्कोर आपको बताता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, कि आप उधार पे कितना जी रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड और आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट हर महीने एग्जॉस्ट कर दे रहे हो, है ना, तो इसका मतलब आप ना उधार पे ही जी रहे हो, तो आपका स्कोर कम हो जाता है ना। सो उनका क्राइटेरिया, एग्जैक्ट क्राइटेरिया इज़ नॉट ओपन टू पब्लिक, वो सिबिल अपना अलग से ही मेंटेन करता है। ओनली दी बैंक्स, दी एक्चुअल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास ही वो पूरी डिटेल होती है, राइट right? हमको नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या है। सो ये सिविल स्कोर का, वो आपको इंडिकेटिव बताते हैं। टू गेट योर एक्चुअल सिविल स्कोर यू हैव टू पे फॉर इट, इट्स अ सर्विस। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड ऑल, दे एक्चुअली पे, वो उनको पे करती हैं, दैट्स वाई दे गेट अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आप और हमारे पास सिर्फ वही आता है कि यार अगर 300 से लेकर 900 तक का स्कोर होता है उसमें, अगर 450 से नीचे है तो आप क्रेडिट वर्दी नहीं हो, है ना, 450 से लेके अगर उससे ऊपर स्कोर है तो मतलब आप क्रेडिट वर्दी हो, अगर 700 से 900 के बीच में स्कोर है तो खड़े पैर लोन मिल जाएगा, ले लो जी आके, है ना, ऐसे चलता है उसमें सिविल स्कोर में। सो देर आर प्ले, उसमें क्या है कि आप, अब देखो सिविल स्कोर ऑलरेडी सबके पास में है, इन प्लेस है, लेकिन वो जो बोरोअर है वो बैंक के पास जाएगा कि ये देखो मेरा सिविल स्कोर है, वो वेरीफाई करेंगे। नाउ बैंक विल हैव डेटाबेस ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, तो वो है सेकंड पॉइंट, हम वही लिख लेते हैं सिग्निफिकेंस में। फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दिस प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर इम्प्रूव्ड क्रेडिट रिस्क, है ना, एनपीएस वगैरह कम होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होंगे, इम्प्रूव्ड क्रेडिट रिस्क एंड ओवरऑल क्रेडिट पोर्टफोलियो। बैंक्स के लिए लोन क्या होते हैं, क्रेडिट अपना एसेट होता है कि लायबिलिटी होती है? फॉर बैंक इट इज एन, इट्स एन एसेट, बिकॉज बैंक को उससे पैसा आता है। हाँ, मतलब बेसिकली उनकी बुक्स में ये दिखेगा कि यहाँ से पैसा आना है, सो हमारा एसेट है ये, राइट। ऑन द अदर हैंड जो आप सेविंग्स करते हो और जो FDs वगैरह कराते हो, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द बैंक, बिकॉज बैंक हैज़ टू रिटर्न इट, उनसे जाएगा वो पैसा, वो उनका नहीं है, और ऊपर से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर ही बैंक्स जो हैं वो काम करते हैं, राइट। और इसमें एक और एंगल है, अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, दैट कि MSMEs को लोन देने की बात हो रही है कोलेटरल फ्री, मतलब उनसे कुछ भी गिरवी ना रखे। बेसिकली व्हाट इट मींस इज अनसिक्योर्ड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, है ना, तो वो भी आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग मेक इन इंडिया और उसकी तरफ जा रहे हैं, एंड वी नो दैट MSMEs का कितना परसेंट है हमारे GDP के अंदर रोल, एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी। सो वो वाला एंगल भी इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। और जो अंडरसर्व्ड एरियाज हैं, है ना, जहाँ पे बैंक्स है ही नहीं, लेकिन अब इंटरनेट की वजह से उनकी इन्फॉर्मेशन बाकी बैंक्स तक पहुँच सकती है, जो कि बैंक्स उस एरिया में फंक्शन नहीं करते, सो आपका जो वैसे पूल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इट विल बी सर्विंग दी अंडरसर्व्ड सेक्शंस ऑफ इंडिया, सो उस डायरेक्शन में भी जाएगा ये। दो अलग चीज़ें हैं, वो बैंक का क्राइटेरिया नहीं चेंज कर रही है, उनको सिर्फ नया पूल ला के दे रहा है। दे विल जैसे, हाँ, ये भी किन किन को लोन चाहिए, कौन कौन किस किस को क्रेडिट चाहिए अभी, और फिर आप चूज करोगे आपके पास कौन सा अनलिमिटेड है। यू आर नॉट प्रिंटिंग मनी, यू आर ऑल्सो मैनेजिंग मनी। बेसिकली जब हम ये बात हमने लिखा है ना अभी पॉइंट, इम्प्रूव्ड क्रेडिट रिस्क, क्या मतलब है इस बात का, इट इज टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट। हम ये रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंटरनल वर्किंग में कोई चेंज नहीं आया मेरी, अगर मेरे को पता है कि यार इस बंदे का सिविल स्कोर ख़राब है, इसने लोन की एवरग्रीनिंग कर रखी है, 6 महीने हो गए इसने किस्त नहीं भरी हुई, हाउ कैन आई गिव अ न्यू लोन,
है ना, हाउ एवर उसका डेटाबेस के अंदर नाम होगा, ही मे बी कंसिडर्ड. इंटरनल वर्किंग के ऊपर कोई फर्क नहीं है इसका, उसकी गाइडलाइंस अलग है आरबीआई की. वो क्या होता है, बेसिल नॉर्म्स है ना, बेसिल नॉर्म्स, वो उसके हिसाब से चलेगा कि मेरे को इंटरनल मैनेजमेंट कैसे करनी है. अगेन प्री के ऊपर बस ऐसे ही घुमाएंगे वो आपको, कि अगर आपको इसका कोर आइडिया मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया है, कोई भी अगर आपको इसका आंसर आपने सोचना है कि इट इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोरोवर इन्फॉर्मेशन, इसके अराउंड ही आपका आंसर बनेगा. कहीं कोई भी आपका चार ऑप्शन आएंगे, और अगर प्री के अंदर आता है इसका सवाल राइट, सो चारों बहुत कंपेलिंग ऑप्शन दिखेंगे आपको, लेकिन जिसके अंदर भी आपको इसकी एसेंस मिल जाए कि इट इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ बोरोवर इन्फॉर्मेशन, इससे हो क्या रहा है वो सेकेंडरी है, ये है क्या ये है राइट. चलिए ठीक है, क्लियर है अरमान, चलो चले आगे. एक टॉपिक मैं स्लाइड में लगानी भूल गया हूँ, आप थर्ड पे आ जाइए पहले. कमेटी ऑन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, रुके हुए हैं जो, रोक लग गई जिन पे किसी तरह. मार्च में ये कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी और अगस्त में उन्होंने रिपोर्ट दे दी है ना. बाय द वे इससे रिलेटेड हमने और भी एक एक लास्ट टाइम भी हमने किया, लास्ट ईयर जो पिछली बार जो हमने करंट अफेयर्स किए हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर फंड भी किया था हमने इसके लिए, फॉर स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, कि बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है लेकिन फंड्स ख़त्म हो गए डेवलपर के पास, अब वो जगह भी घिरी हुई है वहाँ पे, आधी बजादी बन के बिल्डिंग भी पड़ी हुई है और हम हाउसिंग फॉर ऑल बोल भी रहे हैं, तो वाई नॉट वी डू समथिंग कि ये वाली बिल्डिंग चलती हो जाए राइट. तो उसके लिए ये सबसे पहले तो इसने डेटा निकाला है कि कितने हैं स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स और कितने पैसे देंगे तो कितने घर बन के तैयार हो जाएंगे, है ना. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कमेटी किसने हेड करी फॉर पीसीएस, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कमेटी किसने हेड करी और किस मिनिस्ट्री के अंडर है राइट. और फिर धीरे धीरे और चीज़ें देखते हैं कि कमेटी ने एग्जैक्टली क्या बोला, एंड थोड़ा सा हम आपको उसका रिवाइज भी करा देंगे कि जो फंड है स्वामी फंड, अगर आपको याद हो नाम याद है उसका फुल फॉर्म, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, है ना, जिसमें स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को फंड देने की बात की थी, कुछ सिमिलर सही है. चलिए सो किसके अंडर है ये, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. उन्होंने ये कमेटी सेट करी थी मार्च 2023 में. कमेटी वॉज चेयर्ड बाय द फॉर्मर नीति आयोग सीईओ एंड इंडिया G20 शेरपा अमिताभ कांत. बाय द वे ईच कंट्री जो G20 में होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शेरपा विच इज़ नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लीडर ऑफ दैट कंट्री, जो कि सारे मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं तो उनको शेरपा कहा जाता है राइट. सो नेक्स्ट इज कि कमेटी के अंदर कौन कौन था, यूनियन ऑफिशियल्स फ्रॉम यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूपी एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिडन पॉइंट है, तो अगर इसके ऊपर सवाल आएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ घुमाया जाए. IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB एंड आपका रेरा ऑफ हरियाणा एंड यूपी है ना, दो स्टेट्स का इंक्लूडेड. और ये सब मतलब आप देखोगे तो ये सारे, ये सभी जो एजेंसीज हैं दीज आर दी वंस जो एक्चुअली रियल एस्टेट को रेगुलेट करती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. एंड इसके बाद में प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी लास्ट पॉइंट है, दैट इट वाज फाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल विच इज अंडर हाँ रेरा एक्ट राइट 2016, उसके अंडर ये वाली एडवाइजरी काउंसिल जो है वो फॉर्म हुई है ना. अब जो सवाल आएगा वो यही पूछ सकते हैं आपको कि ये जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ये कौन से एक्ट के अंडर है ना, जो रियल एस्टेट करते हैं, तो दिस इज द पर्टिकुलर एक्ट. इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है इसमें बायस्ड लगे कि इन्होंने बहुत बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं इसके अंदर, पर आप एज इट इज़ याद कर सकते हो. इसमें 44% ऑफ द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स आर इन NCR, 21% इन द MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन राइट,
और इसके अलावा बाकी आपको एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद होते भी हैं कि 4.12 लाख स्ट्रेस ड्वेलिंग यूनिट्स है ना जो कि इन्वॉल्व करती हैं इतने पैसे को, ये आपको याद, ये प्रीलिम में कोई नहीं पूछेगा, मेंस के अंदर अपने आंसर को थोड़ा सा वैलिडेट करने के लिए आप इस सब पॉइंट्स को डाल सकते हैं। लास्ट वन को आप एज इट इज़ कोट कर सकते हैं, विच इज़ इफ़ 70% ऑफ स्ट्रेस्ड यूनिट्स आर रिजॉल्व्ड इट विल एड अबाउट 3 लाख यूनिट्स टू द हाउसिंग सेक्टर। और अगर आपको गलती से ये ना याद रहे कि ये कमेटी ऑन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का है, तो यू कैन डायरेक्टली कोट की ये यूनियन मिनिस्ट्री ने कहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं के अंडर की कमेटी है, सो इट विल एड मोर वैलिडेशन। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आंसर्स हमारे सामने आते हैं तो वहाँ पर अगर ऐसे मिनिस्ट्री कोटेड होती है ना तो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होता है, एग्जामिनर को आपके जितना नहीं पता, आप लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड हो जो चीज़ हो रही है, एग्जामिनर नहीं है, ही इज़ द मास्टर ऑफ अ सब्जेक्ट नॉट ऑफ करंट अफेयर्स, तो उनको नहीं पता होता इतना ज़्यादा कि क्या चल रहा है, राइट, दैट इज़ वाई वी ट्राई टू कीप आर आंसर जेनरिक ऑल्सो। मैंने कईयों को शायद लिखा भी है इसके अंदर डायरेक्टली आपके आंसर्स के अंदर कि डोंट गिव मी न्यूज़, उसमें न्यूज़ मत दो कि क्या क्या क्या, ऐसे नहीं है, आपसे आंसर पूछा गया आप आंसर के फॉर्म में दो उसको, अपने वर्ड्स दो। एंड ये बाय द वे ये समुद्रयान वाला 3-4 की इंट्रोडक्शन एकदम एग्जैक्टली सेम कैसे थी, कहाँ से देखा तुमने, चैट जीपीटी से उठाया पर वो तो क्रिएटिव है, अनलाइक यू गाइस, चैट जीपीटी इज अ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म, वो नहीं दो बारी रिपीट करेगा, बहुत मतलब बहुत सिमिलर था, सबने सेम सा लिखा था, ऑलमोस्ट 5-6 आंसर्स वर सिमिलर इंट्रोडक्शन में। पढ़ लो जहाँ से भी पढ़ना है अपने, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आंसर कहीं से भी पढ़ लो, लिखते हुए हटा दिया करो, लिखते हुए सिर्फ आंसर लिखा करो, फिर मत कॉपी करो कहीं से वर्ड टू वर्ड, छोड़ दो, जो दिमाग में आ रहा है फिर अपने हिसाब से लिखो, फ्री हैंड लिखो, आई कैन प्रैक्टिकली गारंटी कि आपके जो मार्क्स हैं उसमें बेटर आएंगे जो आपने फ्री हैंड लिखा हुआ है। कर लो एक्सपेरिमेंट, खिचड़ी पका के दे दो, खानी तो मैंने ही है, आई एम अप फॉर इट, वो टेस्ट ये नहीं है कोई बात नहीं, पर आप फ्री हैंड एक बार ही ट्राई करो लिखने का, आपका एक्चुअल करेक्टर निकल के आता है जब आप फ्री हैंड लिखते हो, वरना अदरवाइज सोचो ना, एक ऐसी एजेंसी है जिसके पास दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी है, 12-12 लाख का पेपर ले लेती है और 15 दिन में रिजल्ट निकाल रही है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है आपसे सब्जेक्टिव लिखाने की, वॉट डज इट सिग्निफाई, क्यों लिख रहे हैं हम सब्जेक्टिव, क्योंकि एक समय के बाद ना आप प्रिटेंड करना भूल जाते हो, दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग यू कि आप वही बन जाओ, बिकॉज आप फेक नहीं कर सकते वहाँ जाके, स्टार्टिंग में बनावटी लिखना शुरू करोगे, तीसरे आंसर तक पहुँचते आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा बनावटी वाला, जैसे वो नहीं होता ऐसी पार्टी में जब आप जाते हो कहीं पे जहाँ पे आपका ऑफिशियल पार्टी टाइप, जहाँ मन नहीं लग रहा होता, तो कैसे थके आ रहे वापस आते हो 2 घंटे की पार्टी अटेंड करके, यही अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हो तो आपको 4-5 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता, बिकॉज विद फ्रेंड्स यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, दिस इज एक्चुअली यू, दैट्स वाई यू आर एबल टू रन लॉन्गर, राइट। सो आंसर्स भी ऐसे ही लिखने हैं फ्री हैंड, अभी तो एक एक लिख रहे हो चलता है, लाइन में जब 20 लिखने होंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी इन 3 आवर्स, राइट, फ्री हैंड लिखना शुरू कर दो, यू आर देयर नाउ, पढ़ लो, रिसर्च कर लो, सब कुछ कर लो, लास्ट में आंसर फ्री हैंड लिख दो, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इन्होंने ना, बिकॉज रियल एस्टेट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इन्होंने ये रिपोर्ट जो है ये सारी स्टेट्स को भेज दी है और बोला है आपके पास जो जो भी इसके लिए प्रोग्राम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है, उन्होंने डाटा निकाल दिया, रैंक निकाल, लिस्ट निकाल दी कि यार ये है प्रॉब्लम है ना, और सारी स्टेट्स को रिपोर्ट दे दी, जो मैंने आपको यहाँ पे दिए, दिस इज़ वेरी लिमिटेड पोर्शन ऑफ व्हाट द होल रिपोर्ट इज़ ऑल अबाउट, लिख लो इसको, रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी, ये साथ साथ लिख लेना प्लीज़, जो जो मेन मेन है जो मेरे को याद है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, द रिपोर्ट्स हैव बीन सेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, द रिपोर्ट हैज बीन सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, टू मेक अ रिहैबिलिटेशन पैकेज,
फॉर विच डेवलपर्स for which developers would get a 3-year timeline to comply. 3-year timeline for the completion, ऐसे लिख लो. अगर कोई लटका हुआ प्रोजेक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी रिहेबिलिटेशन के पैकेज बनाए और जो डेवलपर है वो उसको 3 साल के अंदर अंदर प्रोजेक्ट पूरा करे. ये रिपोर्ट उसको इंडिकेट नहीं करती है बट देर आर लॉज इन प्लेस कि ये फ्रॉड हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, आपने प्रॉमिस किया था नहीं प्रॉमिस फुलफिल हुआ. बट जनरली जो सरकार होती है वो सॉल्यूशन बेस्ड ही होती है. अब अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, इसमें नुकसान किसका हो रहा है, सरकार का, डेवलपर का, या एक्चुअल में नुकसान लोगों को हो रहा है जिन्होंने फ्लैट के लिए पैसे दे रखे हैं, प्राइमरी लोगों का है. तो अगर एक सोशलिस्ट सरकार है जिसने लोगों को भला करना है तो वो सबसे पहला काम क्या करेगी कि यार इनको घर चलता करो पहले, है ना, बिकॉज वी नीड हाउसिंग फॉर ऑल. उस एंगल पे लेके जाना है आपने. कानूनी कार्रवाई तो चलती रहेगी, वो लंबा प्रोसेस है. तभी मैंने जिसे अभी आपको लिखवाया ना कितने 3-year टाइमलाइन है ना कि कंप्लीशन के लिए. डू यू थिंक कि ये इस टाइप के केस कोर्ट 3 साल में निपटा सकता है? दैट इज़ वाई तो सोल्यूशन ये है उस चीज़ का. एक और है इसका, डेवलपर्स शुड बी अलाउड टू गेट अ को डेवलपर, कि वो पार्टनरशिप कर ले किसी के साथ. ये रिकमेंडेशंस हैं इसकी. क्या लिख रहे हैं अभी हम, सर ने इन्होंने पूछा था अभी कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इस चीज के, तो कमेटी के हिसाब से ये रिकमेंडेशंस थी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी. इसमें एक और बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन थी जिसको कहते हैं पार्शियल सरेंडर पॉलिसी. लिख लो, पार्शियल सरेंडर पॉलिसी. क्या है ये? गिविंग बैक सम ऑफ द अनयूज्ड लैंड. गिविंग बैक, पार्शियल सरेंडर पॉलिसी, गिविंग बैक सम ऑफ द लैंड, बेसिकली अनयूज्ड लैंड, सम ऑफ द अनयूज्ड लैंड टू द अथॉरिटी इन एक्सचेंज ऑफ अ वेवर ऑन द ड्यूज. इन एक्सचेंज ऑफ अ वेवर ऑन द ड्यूज. एक इसमें था कि इमीडिएट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फ्लैट्स, ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स. उसमें ना आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं कि यहाँ से NOC चाहिए आपको, उधर से चाहिए. तो वो बोल रहे हैं इसको भी स्ट्रीमलाइन कर दो, कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो है होम ओनर्स को ट्रांसफ़र कर दो ड्वेलिंग यूनिट्स फटाफट. इमीडिएट ट्रांसफ़र / रजिस्ट्रेशन / एग्जीक्यूशन इन फेवर ऑफ राइटफुल होम बायर्स. इन फेवर ऑफ राइटफुल होम बायर्स. यार मेरा क्या बोला मैंने लास्ट में, इमीडिएट ट्रांसफर / रजिस्ट्रेशन. हाँ ठीक है, ठीक है जी, हो गया. गर्मी लग रही है, आप भी इसलिए उठ के गए थे? इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर वी हैव वन मोर. बच्चे ये ना पॉइंट्स मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये क्या क्या है आपका, इन फेवर ऑफ राइटफुल होम बायर्स.
जिसका हक है उसको दे दो फटाफट हक उसका। सुरे सर ये टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने को बोल रहे हैं। इफ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू एजेंसी गवर्नमेंट का पैसा कैसे बचा? बिल्कुल हाँ, ये देखिए एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई प्रूडेंट पॉलिसी तो नहीं है ये। आप एक डेवलपर हो, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है ना, और आपने पूरा डिटेल में लिख के दिया, अब वो बिल्डिंग ऐसे लटकती सी घड़ी होगी अब, है ना, अब आप कह रहे हो फंड्स खत्म हो गए। हाँ, ये डिबेट आपको रहेगी हमेशा, ये रहेगी डिबेट, डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा गया है, ये है डिबेट है। ये पता है कैसी सी डिबेट है, जो अभी यूके नहीं छेड़ रहा इंडिया के साथ में, कि जब आपकी जनता गरीब है, अब चांद पे तुसी अंब लैन गए हो, यूके का सीधा सीधा यही सवाल था कि वहाँ पे क्या करने गए हो आप, है ना, आप एक तरफ लोन ले रहे हो सड़कें बनाने के लिए और एक तरफ आपने चंद्रयान भेज दिया, ये वैसी सी बात है। ये डिबेट्स रहेंगी, दिस विल एग्जिस्ट। पॉइंट समझे इनका क्या बोल रहे हैं ये, कि ये तो एडिट बर्डन हो गया। एक तरफ हमने पहले भी उनको सपोर्ट करी थी, क्योंकि डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो अफोर्डेबल हाउसिंग करते हैं, इनको कंसेशनल रेट पे लोन्स भी मिलते हैं, इनको साथ में आपकी लैंड भी सस्ती मिलती है ना, दे अर्न अ लॉट फ्रॉम इट। इसका कारण भी है, वैसे जो मेजर डोनर है ना पॉलिटिकल पार्टीज का नंबर वन पे रियल एस्टेट, तो जो आप बोल रहे हो इसको इम्प्लीमेंट करने में जिगरा लगेगा, आप लोग कर सकते हो जाके, है ना। हाँ देखो, उनके पास भी डिफेंस है उसका, ऐसा नहीं है। आपने जब मैंने अपना प्लान बनाया था, मेरे लिए रेते का ट्रक एक्स अमाउंट का था, है ना, अब बीच में उसको वो डबल हो गया प्राइस, नहीं करेगी कैसे करोगे वो, उसके लिए फिर सरकार को मार्केट में घुसना पड़ेगा ना, सब तो सेम ही बात नहीं होगी। सरकार घुसेगी क्या करेगी, सब्सिडी देगी या उसको अगर क्योंकि कौन देगा उतना, समझे नहीं आप मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ मार्केट के हिसाब से फिलहाल कंस्ट्रक्शन मटेरियल का प्राइस डबल हो गया, नाउ यू आर सेइंग कि सरकार रादर देन कि डेवलपर को वो फंड दे, वो इसको सेम प्राइस पे जो उसके प्लान के हिसाब से प्राइस था उस पे प्रोवाइड कराना शुरू कर दे। उस पे तो देती है वो, डेवलपर कहता है कि मेरे को जो इंक्रीज प्राइस है वो एडजस्ट करो। हाँ तो सेम ही बात है वो, फिर तो उनका पॉइंट वही तो है, सरकार की वो कह रहे हैं सरकार इसकी सरकार का पैसा क्यों लग रहा है इसमें, बात बिल्कुल सही है वो। जब आपने एक प्लान दिया, वो प्लान पे स्टिक क्यों नहीं हो रहे आप, ओवरशूट कैसे हो रहा है, और ओवरशूट क्यों होता है, एक तो ये कॉस्ट होगी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देन सडनली सरकार एक रूल निकालती है मिनिमम वेज का, अब जो लेबरर उस पर काम कर रहा है उसने आधार कार्ड बनवा लिया, अब बिना आधार कार्ड वाले को आप जॉब पर रख नहीं सकते, विच इज़ अ राइट थिंग टू डू, लेकिन आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गए सडनली, है ना। तो ये सब फैक्टर्स हैं उसके अंदर। इसका जो ये वाला सोल्यूशन है कि अब अगेन वही बात है ना, अब आपके पास में ये वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आ गई, उसमें डेवलपर इफेक्ट हो रहा है, और एक तरफ है कि यार एक सोसाइटी बनी है इसमें 1600 घर हैं, और अगर मैंने ये फंड प्रोवाइड कर दिए 1600 घर चलते हो जाएंगे, है ना, और 1600 घर माने 1600 × 4 एवरेज वोट्स, है ना, तो मैनी थिंग्स आर एट प्ले। तो यहाँ पे अगेन वही बात, ज़्यादा सेंटी नहीं होना इसको लेके, है ना, दिस इज़ हाउ इकॉनमी वर्क्स, इकॉनमी इज द स्टडी ऑफ लैक।
जहाँ पे नहीं है, तो डिपेंड करता है सवाल क्या पूछा जाएगा। स्वामी फंड के बारे में लिखना है, अब ऐसे हमने कर रखा है पहले, लिख लो आप SWAMIH कैपिटल्स में, स्वामी, स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। क्या फुल फॉर्म है इसकी? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। बाय द वे, जब हम आई थिंक थोड़ा सा आप लोग इसलिए भी कंफ्यूज हो, सरकार फ्री में पैसा नहीं दे रही है, इट्स अ डेट फाइनेंसिंग, फाइनेंस कर रही है लेकिन लोन की फॉर्मेट में, ठीक है जी, फ्री नहीं दे रही पैसा, और लेगी उसमें से, इट्स अ डेट फाइनेंसिंग। ये इट इज स्पॉन्सर्ड बाय, ये जो पर्टिकुलर स्वामी फंड है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है इसको स्पॉन्सर? यही एक ध्यान रखने वाली बात थी इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स नहीं करती, अगर स्वामी फंड पढ़ाओ। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाय या वाया SBI कैप, स्टेट बैंक की कंपनी है ये, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, वाया SBI कैप। क्या करती है ये? प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग, लिख लो इसको भी, इट प्रोवाइड्स प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग, DEBT, डेट फाइनेंसिंग फॉर स्ट्रेस्ड कॉमा ब्राउनफील्ड एंड रेरा रजिस्टर्ड, RERA, रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल, अंडर रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल कॉमा मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी। ये कैटेगरी में कितनी कितनी इनकम होती है हाउस होल्ड की, वो हमने उस क्लास में किया हुआ है ना, एक बार नजर मार लेना उस पर, जहां पे हमने स्वामी फंड किया है उधर हमने कर रखा है, एंड जस्ट इन केस मुस्कान, अभी ये वाले जो टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर थोड़ी सी भी और डिबेट्स आएंगी, UCC आर्टिकल 370, इनके ऊपर अभी और डिबेट्स आएंगी, अगर मेरे को इम्पोर्टेंट लगा तो डेफिनेटली इसको मैं कवर कर दूंगा, इसके ऊपर सवाल नहीं आने वाला, अभी थोड़ा सा बेफिक्र रहो, कुछ कुछ इस फ्रूट के अंदर जब गूदा आएगा तभी इसका जूस निकलेगा, अभी रुक जाओ। इसके अलावा आप लोगों को भी अगर कोई लगता है ना टॉपिक है, ये वाला टॉपिक रह गया, वो नहीं, मैं फुल टाइम यही करता हूँ यार, ट्रस्ट करना है, जो टॉपिक नहीं करवाने वाले होते वो कुवर सच में नहीं करने हैं, छोड़ दो, बाकी काम के लिए ऑनेस्ट रहो। अभी भी नहीं चल रहा है ये, थोड़ा फर्क पड़े, ये वाला भी कर दो, ठीक है जी, चलें आगे, इस वाले पे चलते हैं। सो बाय द वे, अगर कोई सेलर है जिसके पास GST नंबर है, कितने रुपए के बिल से ऊपर उसको बिल काटना कंपलसरी होता है? वेलकम टू द न्यू टॉपिक, कितना? नहीं यार, जिस जो वेंडर है आपका जिसके पास GST नंबर है वो बिल काटेगा ना, आप अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, तो फिर आपके पास हर चीज का बिल पड़ा ही होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, देर इज अ लॉ जहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर आपको बिल काटना कंपलसरी है, नहीं काटोगे तो जो आपका वेंडर है
उसके ऊपर कितना था वो, लगभग 20,000 रुपये का फाइन लग सकता है या फिर 100% ऑफ द टैक्स इवेडेड जितना भी उसने किया है, और अगर आप लोगों ने नहीं मांगा बिल तो आपके ऊपर 25,000 रुपये का फाइन लग सकता है। देर इज अ प्रोविजन, इफ यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ बिल देन यू विल बी फाइंड अप टू 25,000, विच इज मोर देन जो उसको फाइन लगेगा बिल ना देने के लिए। मेरा मतलब मेरे को, आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपको आंसर पता होगा, मेरे को भी कल तक नहीं पता था बाय द वे। आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट दैट यू गाइज आर दी क्रीम ऑफ द कंट्री, जो लोग कंट्री के चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो, प्रॉबेबली जो पीक पे चल रही है अभी फिलहाल नॉलेज है ना कंट्री को लेके, वी गाइज आर सो अनअवेयर अबाउट इट, तो करके ऐसी स्कीमें लगानी निकालनी पड़ती हैं, है ना। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये कुछ नहीं है, एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है, आप बिल लेके आओगे है ना, और अगर उसकी अमाउंट 200 रुपये से ऊपर है उसकी फ़ोटो खींचो अपलोड कर दो, एक लकी ड्रॉ निकलेगा है ना, और आई थिंक हर 6 महीने में 2-1 करोड़ के बम्पर इनाम निकलेंगे, इन टोटल 800 इनाम निकालने हैं जिसमें से कुछ 10 लाख के हैं कुछ 10,000 के हैं। सो ये आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप लोग बिल लो, ठीक है जी। सो ये स्कीम उसके ऊपर है, चलिए लेट्स रीड समथिंग अबाउट द स्कीम। बाय द वे द लिमिट इज ऑल्सो 200 के ऊपर बिल काटना कंपलसरी होता है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन अबव 200 रुपीज बिल इज कंपल्सरी। सो क्या है ये, इट इज इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम बाय द नेम मेरा बिल मेरा अधिकार। क्या करेगा ये, इसी के नीचे लिखा हुआ है, टू एनकरेज द कल्चर ऑफ कस्टमर्स आस्किंग फॉर इनवॉइस बिल्स फॉर ऑल परचेजेस। अगेन अगर इस पर आप फोकस कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी लाइन लग रही है देखने में, लेकिन टू एनकरेज द कल्चर ऑफ कस्टमर्स आस्किंग, तो कस्टमर्स के ऊपर फोकस किया हुआ है ये, तो मतलब मान के चल रहे हैं कि जो बंदा बिजनेस में होगा वो थोड़ा कुछ तो करता रहेगा पीछे पीछे, है ना। अगेन दिस टेक्स मी टू द टॉपिक ऑफ ब्लैक मनी, है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मनी इललेजिटिमेट मेथड से, कि आप ड्रग्स बेच के ब्लैक मनी कमा रहे हो, नहीं। ब्लैक मनी कैन, मतलब मोस्टली ब्लैक मनी आती ही लेजिटिमेट सोर्सेज से है, कि बंदा एक्चुअली मेहनत कर रहा है बस बता नहीं रहा कि मेरे पास इतना पैसा है। हाँ, ओनली अनअकाउंटेड मनी, इसका अकाउंट नहीं है बस मनी का, है ना। आपके पास जीएसटी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं यार उसका रहने देते हैं, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, आई नो सर्टेन पीपल कि उनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। अब मुझे पता नहीं है ना उनका टाई अप निकला यहाँ पे, फिर फिर से कमेंट नहीं करना चाहूँगा मैं, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, है ना, अनअकाउंटेड मनी। सो सबसे बढ़िया तरीका एक्चुअली यही है कि आप कस्टमर्स को अवेयर कर दो। इंडिया में है थोड़ा सा ऐसा कल्चर कि अगर एक कस्टमर, दो कस्टमर, तीन कस्टमर बोलेगा जाके, तो स्टार्टिंग में तो वो सरदार जी भड़केंगे गले वाले, है ना, बट इवेंचुअली एवरीबडी हैज़ टू डू इट। सही चीज़ ही होती है, उसका कोई तोड़ नहीं है, है ना। ये पर्टिकुलर जो मेरा बिल मेरा अधिकार, अगर इसमें आपको लकी ड्रॉ के अंदर नाम डालना है, महीने में 25 बिल डाल सकते हो आप, तो दैट शुड बी मिनिमम 200 का अमाउंट, राइट। और वो मैंने आपको वैसे जस्ट ट्रिविया बताया था कि एक बिल वो भी 200 ही है उसकी, ठीक है। अबाउट द स्कीम, क्या करना चाह रहा है ये, इट ब्रिंग अ कल्चरल एंड बिहेवियर चेंज इन द जनरल पब्लिक टू आस्क फॉर अ बिल, ठीक है जी। पायलट बेसिस के ऊपर इसको इन स्टेट्स के अंदर लॉन्च किया है, ये 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी, असम, गुजरात एंड हरियाणा, और आपकी 2 UTs पुडुचेरी और ये, ठीक है, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है जी, इसके अंदर की है। हाउ एवर लॉन्च ये यहाँ पे हुआ है, लेकिन इसको पार्टिसिपेट आप लोग भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट कोई भी कर सकता है कहीं से भी, राइट। कौन कौन से बिल्स इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ओनली द B2C इनवॉइसेस, बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे कस्टमर एंड है बेसिकली, कि आगे किसी को नहीं बेच रहा, उस वो कस्टमर कहा जाता है उसको, ठीक है जी। इट शुड बी इशूड बाय GST रजिस्टर्ड सप्लायर्स, साइड पे अब इसकी एडिशनल डिटेल्स लिख लो, कि कुछ नहीं पता उनका, अगर कमीशन वालों का दिमाग खराब हुआ वो इसकी डिटेल में चले गए, है ना, तो लिख लेते हैं, प्रीलिम पॉइंट्स लिख लीजिए।
मिनिमम वैल्यू ऑफ इनवॉइस इज ₹200 मैक्सिमम 25 इनवॉइसिस कैन बी अपलोडेड पर मंथ पर कस्टमर मतलब अगर आप जीत भीत गए इसको है ना सोचो आपके 1 करोड़ का बम्पर प्राइस इसमें निकल आया तो आपको अपना पैन नंबर देना होगा यहाँ पे सारी आधार कार्ड की डिटेल्स ये वो थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा आपका बाकी पैसा आ जाएगा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे बट हर महीने 800 लकी ड्रॉज होंगे जिसमें से 10,000 प्राइस ईच होगा 810,000 के प्राइस मिलेंगे और 10 ड्रॉज लकी ड्रॉज मिलेंगे जिसमें से 1,000,000 का प्राइस होगा और 2 बम्पर प्राइस होंगे एवरी क्वार्टर 1-1 करोड़ के ठीक है जी चलो बिल मांगना शुरू कर देना आप बाय द वे ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ अंडर लिख लीजिए साइड पर किसके अंडर होगा वैसे सोच के देखो एक बार जीएसटी से रिलेटेड है बिल लेने की बात हो रही है मिनिस्ट्री समझ में आ गई होगी बिल वगैरह और टैक्सेस की बात है कौन सी मिनिस्ट्री है फाइनेंस मिनिस्ट्री ठीक है अब उसके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट होगा सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स लिख लो अंडर सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बस यही 4-5 चीजें हैं जिसके ऊपर सवाल बन सकता है इसके बाहर नहीं आएगा करना पार्टिसिपेट है ना आप लोग भी और अगर किसी की निकला है तो यार घुमाने फिराने फिर देख लेना पार्टी वार्टी तो करनी बनती है ना चले आगे भारत एनकैप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है ना कार्स की स्टार रेटिंग होती है कि कौन सी कार सबसे सेफ है और नंबर ऑफ टेस्ट देते हैं और उसके साथ में स्टार रेटिंग होती है आउट ऑफ 5 स्टार्स होते हैं उसमें जो मोस्ट ऑफ द कार्स अभी इंडियन मार्केट में रन कर रही हैं वो 3 स्टार कार्स चल रही हैं है ना और उनका जो टेस्टिंग है दैट इज एनकैप इट इज ऑस्ट्रेलेशियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ये वो वाले को हम यूज़ करते हैं मोस्टली एंड जो हम अपना निकालना चाह रहे हैं भारत एनकैप राइट सो इट इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल एनकैप जो कि यूके का इनिशिएटिव था यूके की एनजीओ है टुवर्ड्स जीरो लिखा हुआ इसके अंदर कहीं पे मेंशन नहीं है ना इसमें ठीक है हाँ टूवर्ड जीरो तो उसका नाम तो यही है यूके की एनजीओ है टूवर्ड जीरो है ना तो उनसे इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने इसको हम डिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं और इसको 1 अक्टूबर से लागू करने की भी बात है राइट क्या होती है स्टार रेटिंग इसमें देख लेते हैं ऑल राइट सबसे पहला प्रीलिम्स में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत एनकैप ये किसने इंट्रोड्यूस किया कौन सी मिनिस्ट्री ने दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
तो हमें थोड़ी सी आदत हो जानी चाहिए थोड़े टाइम के लिए, राइट? ओह माय गॉड, वो एक एक वो शेर है ना, सूफी शेर है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है, तेरे आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। चले आगे लिखें, ठीक है। सबसे पहले मिनिस्ट्री मार्क कर लो इसमें कि इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और भारत एनकैप की फुल फॉर्म ये है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, राइट? सो क्या है ये? इट इज एन इंडिजिनस स्टार रेटिंग सिस्टम, राइट, टू इवेल्युएट द सेफ्टी ऑफ द व्हीकल्स इन द इवेंट ऑफ अ कोलिजन। एक्चुअली जितने भी सेफ्टी टेस्ट होते हैं ना, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी है, इट इज अ टेस्ट ऑफ कोलिजन, राइट? सेफ्टी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होते हैं, खड़ी खड़ी गाड़ी में आग लग जाए, है ना, वो सब इंक्लूडेड नहीं होता इसमें, ये सिर्फ और सिर्फ क्रैश टेस्ट होते हैं। सो प्रॉबेबली आपके आपके कहीं पे अगर, वैसे तो नहीं आएगा, अगर कभी सवाल आता है तो ये ध्यान में रखना है कि जो सेफ्टी टेस्ट हैं दे आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन क्रैश ओनली, राइट? बट अब जैसे हम, अब क्यों मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अब हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट? सो वी हैव अ प्रॉब्लम कि जहाँ पे जो लिथियम है, इफ़ इट कम्स इन लिथियम सोडियम, ये जो मेटल्स हैं, इफ़ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर दे रिएक्ट विगरसली, राइट? तो सेफ्टी कंसर्न एक वो भी है, तो भारत एनकैप पर्टिकुलरली इस चीज़ को मिस करता है ना? तो अगर आपको इसका क्रिटिक देने पे आए तो दिस इज एन एंगल विच यू कैन टच, थोड़ा सा फ्यूचर एंगल सोच के तो इस तरफ को जा सकते हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज, आप पेज नंबर 5 डेफिनेशन के अंदर आप देखेंगे, अगेन उसमें क्लियरली मेंशन है कि ये सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है फॉर व्हाट, फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, है ना, प्राइवेट व्हीकल जो होती है पैसेंजर व्हीकल्स उनके लिए है ये असेसमेंट टेस्ट। एप्लीकेबल टू पैसेंजर व्हीकल्स विद नॉट मोर देन 8 सीट्स एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, जहां पे भी आपको क्रैश टेस्ट में कहीं पे भी दिया होता है ना कि कितनी सीट्स हैं, इट इज मोस्टली एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, और इस केस में भी यही है, इट इज एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। अच्छा इन लिखा हुआ है यहाँ पे, इन एडिशन टू द ड्राइवर सीट और व्हीकल वेट 3.5 टन्स। तो ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भारत ओके, जस्ट ऑनलाइन एक बारी मेरे को फिर से बताओ कि एम आई ऑडिबल नाउ?
अरे मुझसे ना गलती से इस पे स्पेस बार पे क्लिक हो गया था और ये म्यूट हो गया था, रियली सॉरी। मुझे ये भी बताइए कि कहाँ तक लिखा है आपने अभी, हालांकि हमने कुछ अभी लिखा नहीं है एज सच, बट प्लीज़ टेल मी कि कहाँ तक मिस हुआ है। प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए फटाफट। प्लीज कंफर्म फटाफट। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी इन द सेंस, अच्छा ब्रेक टेस्ट। चल रहा है वो, हिट कर गया उसको तो। इसमें पूरे वर्ल्ड में आई थिंक एक ही वो है जिसमें वो दैट वो कैचर थिंग, पैसेंजर कैचर जो 1920s में आया था। मतलब एज फार आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ना ना पैसेंजर के लिए नहीं थे वो, ओके। इसमें इसमें ए डैश वगैरह का तो है देख, इसमें टेस्टिंग उसमें, बट जो आप बोल रहे हो आई एम नॉट फेमिलियर विद इट। ज़रूर ऐसा सा लगता है कई बार ना मेरे को धमकी सी मिल जाती है क्लास में, हमें नहीं समझा पाएगा बाहर मिल नहीं नहीं मिल करते हैं बात, मेरे को बताना, माइट बी अ न्यू थिंग फॉर मी, मैंने नहीं सोचा देखा कभी ऐसा कि मतलब जब लेन चेंज करते हैं तो कोलिजन अवॉइडिंग सिस्टम्स के बारे में मुझे पता है, हाँ इसमें आ गया, तो आई थिंक कोलिजन अवॉइडेंस में कहीं ये मेंशन ही नहीं है कि कोलिजन पैसेंजर से येट अनदर वेरी पेडेस्ट्रियन से अवॉइड हो रही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई थिंक दैट सबस्यूम्स इट कि कोलिजन अवॉइड करनी है, खंबे से भी हो सकती है। ब्रिक्स की एक्सपेंशन हो रही है, चलो और रमाना भी रुक जाओ, जनवरी 2024 फोकस करो के अंदर ये इफेक्ट ले लेगा। वी हैव एडेड इसके अंदर हम न्यू फैक्ट, हां ऑलराइट ठीक है जी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आगे लिखते हैं क्या लिखा है हमने। इंडिया हैज ओनली वी हैव 4% ऑफ द वर्ल्ड व्हीकल्स, 1 फ्रॉम अफ्रीका बट अकाउंट फॉर साउथ अमेरिका। इंडिया हैज 1% उसमें आपके लिखा भी हुआ है बच्चे, अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड व्हीकल्स। ये ब्रिक्स क्या है और ये सब है, ये सब पे तो बाद में अकाउंट्स फॉर, सबसे पहले ना एक बार देखो कि यही 11% क्या है इनमें ऑफ द ग्लोबल रोड क्रैश फैटलिटीज। अरे कंट्री इंडिविजुअली देखनी पड़ेगी, कौन सी वाली, सऊदी ठीक है, ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम इसको ऑयल के लिए, ये तीनों चारों ही है वैसे ठीक है। ये सामने से देखने में थोड़ा अजीब लगता है टॉपिक की, हाउ इज इट रेलिवेंट, दिस इज हाउ इट इज रेलिवेंट। ग्लोबल साउथ का नहीं बचिए ठीक है जी। टेस्टिंग पैरामीटर्स क्या रहेंगे एन कैप के, इजिप्ट इज एन एंट्री क्रैश फैटलिटीज राइट। इजिप्ट एक ऐसी चीज है जो एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट, एशिया यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करता है, द ओनली कंट्री, स्वेज कैनाल भी है इसके। तीन क्रूशियल पैरामीटर्स हैं, यूएई का दबदबा पैरामीटर्स अगर आप देखोगे नेक्स्ट अरब वर्ल्ड के अंदर यूएई की चलती बहुत फटाफट करते हैं इसको। सऊदी के पास रिसोर्सेज हैं, सऊदी इज पायनियर ऑफ इस्लामिक अंदर क्या नुकसान हो रहा है आइडेंटिटी उसके लिए। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के पास भर भर के ऑयल है और इसके ऊपर सैंक्शंस बहुत हैं उसकी, तो ईरान को इसमें इंक्लूड करना लास्ट इज अ स्टेटमेंट असिस्ट टेक्नोलॉजीज एंड वी डू नॉट कंफर्म यहां सब यूएस प्रेशर इन केस देयर इज सम। ये सारी नेशंस, अब ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स नेशन है कौन सी, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना, जिस रीजन में हम रहते हैं साउथ अफ्रीका ही होता है, सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड सारी ऐसी इकोनॉमीज जो कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है। एक और चीज इनमें कॉमन है, इसके बाद में ग्रोथ रेट इंपॉर्टेंट है, 8 से 11% है, दैट इज इसमें कॉमन है। ये मैंडेटरी और रिकमेंडेड ब्राजील का दोस्त इसके अंदर होएगी नंबर वन, ये मैंडेटरी रहेगी, कारण यही है इसको यहां पे रखा है, ब्राजील का दोस्त है, प्लस ये लोग एग्रीकल्चर में बहुत, मतलब एनी कार इसका बेस जो बेस मॉडल है इसके अंदर कार है, उसकी टेस्ट होगी, जिसकी भी टॉपिक को मिनिमम सेल का 30,000 रहेगा हमारा कि ये कंट्रीज क्यों ऐड हुई हैं।
ठीक है जी, अपने लेवल पे अपने क्या करना है, इन कंट्रीज की ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी है वो, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड है। सेकंड इज की जिसको भी मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट वी विल बी डूइंग इज की वी विल अंडरस्टैंड, लास्ट ईयर देखा गया था कि एक पर्टिकुलर ब्रांड की पर्टिकुलर कार स्पोंटेनियसली आग पकड़ रही थी कंट्री क्यों है ना, और साथ में आपको ये याद भी रखना है कि वाली लॉ इन प्लेस कि जो मास डॉक्यूमेंट में आर रिकॉलिंग को फोर्स कर सके। कंपनीज अपनी कॉन्शियस के हिसाब से ही करती हैं कि नाम खराब हो रहा है हम फिक्स करके देंगे इसको, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि सरकार कैन कंपेल कि तुम्हें सारी कारें इमीडिएटली वापस करके इसको ठीक करके दो। राइट राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थोड़ा सा नंबर 9 के बिल्कुल लास्ट में कि अगर किसी ने रिकमेंड कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, पहले ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, भारत में बेसिकली पेज नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा, अगर उसको खराब रेटिंग मिल गई तो कंपनी का नुकसान है, कंज्यूमर सेंटीमेंट चेंज होता है इसमें। चलिए अब थोड़ा सा द ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर काम करते हैं इसमें, क्या 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, लगभग आधा, 24% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल मार्केट, ठीक है, ये 5 कंट्रीज हमारा वहां पे नाम बनेगा, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स कहीं पे भी आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट एंड इंडिया एज अ ब्रांड नेम, ठीक है जी। और बाय द वे ब्रिक्स जो है ना सिर्फ समिट्स करता है, इसका कोई ये अपने आप बेटर डिसीजन ले पाओगे फॉर योर रेफरेंस, आपके पास बेटर इंफॉर्मेशन होगी कौन सी कार सेफ है। अगर सवाल आएगा तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, है ना, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यही तो पॉइंट शुरू हुआ है। और सोचो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंस होता है, ब्रिक्स के एनुअल समिट्स होते हैं एंड दैट इज ऑल, उसमें कुछ ये डिसाइड होती है एंड ईच कंट्री इंडिविजुअली फैटलिटीज कम होंगी है ना, ठीक है जी। और ये 15th समिट था इसका, कहां हुआ था ये समिट, कहां पे है ये भी पॉइंट है, साउथ अफ्रीका। कंपनी की रेपुटेशन अगर चंद्रयान लैंडिंग देखी हो तो उनको पता होगा सेफ्टी, इट विल बी आउट प्रधानमंत्री जैसे अटेंड कर रहे थे इसको, ही वाज एट द ब्रिक्स समिट आया था आपके, तो इससे आपको थोड़ा टाइमलाइन का भी अंदाजा रहेगा। उसके बाद में सडनली एवरीबॉडी इज, बाय द वे चंद्रयान का ये भी बहुत सेलिंग फायदेमंद सेल्स पिच में आ गए थे जस्ट पहले हुआ सेल्समैन की कि ये 3 स्टार है ये 5 स्टार है ये ऐसे और सेप्टेंबर में है वो 9 से आई थिंक 11 है ना यही डेट है, तो उससे पहले ये फिट हुआ तो ऑटोमेटिकली पंजाबी से कही तो लात उत्ते होगी वो, हाँ फेटेलिटीज में आ गया वो कम करेंगे क्या होगा उससे। चलिए मान लो न्यू कंट्रीज कौन सी है, 4 मेजर प्लेयर्स इन द मिडल ईस्ट रीजन, फायदा किसका हुआ, इजिप्ट ईरान मिलिट्री कूप और ये सब चल रहा है वहाँ पे, सिर्फ ये स्टेबल है, ये दो सेक्टर है सरकार लिंक्ड है, दैट इज व्हाई वी हमने इन सब कंट्रीज के लिए भी कुछ फायदा इंडिविजुअली कवर कर लिया है और कंज्यूमर राइट, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज है तो ये और आप ना इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, समय में ब्रिक्स अगेन स्टेक होल्डर्स के हिसाब से और किस में डिवाइड कर लिए, साथ में ईरान को, रशिया पे भी सैंक्शन है, ईरान पे भी सैंक्शन है, मतलब अर्जेंटीना पे भी कुछ कुछ सैंक्शंस है, इन सारी कंट्रीज पे सैंक्शन है। आउटकम्स क्या है ब्रिक्स को ना, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, ब्रिक्स को देखा जाता है एज काउंटर वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, लिख लो इसको कहीं पे, एडिशनल पॉइंट्स है ना बच्चे जहाँ पे वहीं पे लिख लो आप, थोड़ा अंदर साइड पे मत लिखना, अंदर करके लिखना क्योंकि साइड पे हम कंट्रीज के बारे में लिखेंगे। गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर क्या क्या है जो हमने अभी ट्राई किया था, ब्रिक्स डिस्कशन, एक्सपोर्ट्स आर परसीव्ड, ब्रिक्स डिस्कशंस आर परसीव्ड टू कैरी अ काउंटर वेस्टर्न परस्पेक्टिव, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस रिलीफ, सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं इसके अंदर, चाइना और रशिया को इसलिए सांस आई है इसमें क्योंकि वर्ल्ड पूरा अगेंस्ट चल रहा है इनके, चाइना के भी अगेंस्ट चल रहा है, रशिया के भी अगेंस्ट चल रहा है, ऐसे में इनके लिए 6 कंट्रीज को ऐड करना इट्स अ विन। हाउएवर ये सारी चीजें इंडिया के लिए कुछ और मतलब है, इसको ट्राई कर रहे हैं एज अ होल, इसका कुछ और मतलब है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इंपॉर्टेंस फॉर ब्रिक्स पूछा गया है, ये जैसे एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया पूछा गया है या कंट्रीज ऑफ ब्रिक्स पूछा गया है, राइट right? सो हर किसी का आंसर अलग बनेगा। एक और इसमें मतलब जो हम एक्सपोर्ट लिख रहे हैं ना इसमें हम एक अलग एग्जांपल दे सकते हैं बहुत अच्छा सा, मेक इन इंडिया कह रही है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, काउंटर वेस्टर्न को इसको पुश फॉर्मर्स में कर लेना, जब आपने एक्सपोर्ट्स बना दिए ग्लोबली आपकी गाड़ियां जा रही हैं
बनी यहाँ रही है. सो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को फुल मेंबरशिप विल टेक इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2024. पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, वो आपको डेट वगैरह डायरेक्टली डाल देंगे. ये अभी अभी सिर्फ राजीनामा, राजी हुए हैं मैन्युफैक्चरर्स के लिए. क्या फुल मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से इनको मिलेगी. डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस. कंज्यूमर लॉयल्टी वो देखा, पहली बार एक्सपेंशन नहीं हुई है इसकी. एडिशनल पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है पूरी उम्र. होंडा वाले होंडा के खरीदते रहते हैं. इससे पहले पहले अभी ब्रिक ब्रांड ने बनाया था, उसके बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था 2010 के अंदर. इसको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी. नेक्स्ट एडिशन हो रही है. इसका नाम या तो ब्रिक्स ऑसी जाएगा या फिर ब्रिक्स 11 जाएगा. ऑफिशियल नाम अभी तक नहीं आया है. ठीक है, एक्जैक्टली इसका क्या नाम है, कई जगह कुछ लिखा, कई जगह कुछ लिखा है. ऑफिशियल स्टेटमेंट में आई डिड नॉट कम अक्रॉस एनी डॉक्यूमेंट. कंज्यूमर के लिए क्या रहेगा, रिड्यूस्ड फिटेलिटी. वो इंडिया ही देगा मुझे जहां तक लग रहा है. इंडिया नाम देने में तेज है. थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन एडिशनल पॉइंट्स दैट अकॉर्डिंग टू WTO ब्रिक्स कंट्रीज अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ द मर्चेंडाइज ट्रेड एक्सपोर्ट. बेटर इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्रेड में इतना हाथ है इसका. अब और बेटर हो जाएगा व्हेन दीस कंट्रीज आर इंक्लूडेड. से भी लिख सकते हो इस पॉइंट को. कोई और वर्ड बताओ. और इंडिया का ट्रेड विद दी फेलो कंट्रीज इन दी ब्लॉक इज $197 बिलियन. ये आपके ओपनिंग मतलब कंज्यूमर के किसी भी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट ले पाएगा. इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ले पाएगा. इसको बेटर है जो आप यूज कर सकते हो. राइट इसी में अबाउट ब्रिक्स एक बार इसको पढ़ लेना कि जिसको नहीं पता कि क्या फुल फॉर्म है कैसे है. कंज्यूमर इसका लास्ट पॉइंट आप देखेंगे अगर तो साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन इन December 2010. अभी मतलब थोड़ा सा इस टॉपिक को फॉर्मली साइड पे हटा के अगर आप सोचोगे ना राइट नाउ इतना कोई कंसर्न नहीं होता. आप इंडिविजुअल कंट्रीज के बारे में लिखते हैं. आइए, सेफ्टी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ ईच न्यू मेंबर साइड पे लिख लेना. इसके हमारे प्रायोरिटीज कुछ और है. ये खासकर ये हमारी वाली बेल्ट में थोड़ा ज्यादा है. ऑफ ईच न्यू मेंबर हर एक मेंबर को देख से कम बाहर से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप बोल सकते हो. उल्टा है. सऊदी अरेबिया का क्या बताया था आप लोगों ने? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा. नंबर वन सऊदी अरेबिया क्या है ये? हाँ बिल्कुल है, सही बोल रहे हैं. वो सेफ्टी कंसर्न ही नहीं है. सोर्सेस मेजर ऑयल प्रोड्यूस लिख लो. मेजर 2018 के अंदर टाटा वाज़ द फर्स्ट कंपनी इसको ग्लोबली, पहली इंडियन कंपनी जिसको फाइव स्टार ऑयल प्रोड्यूसर ऐसे लिखो. मेजर ऑयल प्रोड्यूसर क्या होगा इससे? रिमेंबर द नेम, बट टाटा वाज़ द फर्स्ट 2018 में था जो कि ग्लोबल. उसमें अगर हम इसको मतलब एक टेक्निकल आवाज जो फिलहाल में आपको ग्लोबल एनर्जी के बारे में लिख लीजिए प्लीज. राइट अ शॉर्ट नोट. इसको अगर लिखेंगे हम आंसर के अंदर ऐसी बस एडिशनल शॉर्ट नोट है. एनर्जी सिक्योरिटी द भारत एन कैप. एनर्जी सिक्योरिटी क्या होती है अगर इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हो? इमेजिन करो घर पे सिलेंडर खत्म हो गया. ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम है ना, तो दैट मींस आपकी एनर्जी सिक्योर्ड नहीं. ग्लोबल एन कैप क्राइसिस है. सो इट एनहेंसेज योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर ऑल ऑफ अस जितने भी उसके मेंबर्स हैं. क्योंकि यूएस और यूरोप का कुछ नहीं पता लगता कब वो किस पे सैंक्शन लगाएं. प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय टू कंफर्म टू द सैंक्शंस. आपका इंटरनल ग्रुपिंग होएगी और आपका 20% ट्रेड भी चल रहा है. वी आर गुड एज आर एक्सटर्नल मिनिस्टर सेज दैट यूके बेस्ड एनजीओ हमारे लिए प्राइमरी ही रहेगा डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग. ये कैपिटल मतलब टी बाय द वे सऊदी अरेबिया का विजन 2030 एजेंडा अपना भी चल रहा है फाउंडेशन जिसके साथ में दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर एफ कैपिटल देयर ग्लोबल वर्ड्स. दिस मूव अलाइंस विद दिस मूव अलाइन बेसिकली ये ना कोलैबोरेशन है जितनी भी पुरानी सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल विजन 2030 कार टेस्टिंग शुरू हुई थी क्रैश टेस्टिंग वो 1978 की चल रही है. सो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी पहले चल रही है. इन सबका कोलैबोरेशन ग्लोबल एनकैप है ये. राइट, तो इंडिया ने यहां से डाइवर्सिफिकेशन ड्राइव ग्लोबल आउटरीच टेस्टिंग का आइडिया और आपके टेक्निक्स. राइट, बस बहुत है इतना इसमें. राइट, ठीक है. तो ये ठीक है. सो वी हैव डन डाइवर्सिफिकेशन. हाँ जी, कोई कह रहा है कुछ? एंड ग्लोबल आउटरीच. ओके, सो वी हैव डन 5 करंट अफेयर्स अभी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट 5. राइट, अगर सऊदी अरेबिया भी ये बात बोल रहा है, इंडिया भी इस तरफ है, रशिया भी इस तरफ है, मेजर इकोनॉमीज साउथ अफ्रीका भी इस तरफ है, ये ट्रेंड दिखा रहा है कि आपकी वेस्टर्नाइजेशन से अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्नाइजेशन. लेट्स बिगिन, है ना. तो ये एक ब्रिक्स उसका पेज नंबर 6 के ऊपर अच्छा एग्जांपल है. करंट अफेयर वहीं से शुरू करते हैं. ईरान नेक्स्ट लिखिए. फॉर ईरान अगेन लेट मी रिमाइंड कि जो लोग यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हैं तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे, वहां से निकाल लीजिए. सो एक नया बैक्टीरियल स्ट्रेन मिला है गिव्स ईरान इकोनॉमिक लाइफलाइन अमिड थायलो टू वी माइक्रोबियम.
I said it once. ये oil oil वगैरह वाले don't expect me to say it again. लिस्ट के हैं ये. ठीक है जी. बहुत लंबा सा नाम है इसका. Gives Iran economic lifeline amid Western sanctions. S-A-N-C-T-I-O-N-S. Which is denoted by this 5GB 1C. Right? क्या करता है ये? मिथेन को कंज्यूम करता है. Which is a potent greenhouse gas. इसके होने से पहले वैसे थोड़ा सा अगर आपको याद हो इस टाइप के यूएई के साथ भी हमने एमओयू साइन किया था. वीकेंड क्लास में पढ़ा है. हैंडल मिथेन वेरी वेल. लोकल करेंसीज यूज करने वाला. मिथेन इज 28 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड. ईरान के साथ में भी मोर एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीनहाउस पर हो सकता है. राइट होगा आने वाले टाइम में. आई एम नॉट श्योर मिथेन के साथ में प्रॉब्लम है. एक इज बिकॉज की मिथेन का जो फ्लैश पॉइंट है ना दैट इज वेरी लेस माइनस यूएई के साथ में डेफिनेटली है सेल्सियस. सो इस पर माइनस 180 ये भी होगा सेल्सियस आने वाले टाइम पर जाते ही कि ब्रिक्स 11 के साथ में आ गए और ब्रिक्स 11 में बर्न हो सकते हैं. सो आप ऐसे दैट इज व्हाई थिंक मैं लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो वहां जाकर फाइनली पेमेंट कर पा रहे हो उसके ऊपर आपने परमानेंटली आग जलते हुए रखी यहां पे रेमिटेंस भेज रहे हैं. व्हाई आर वी नॉट यूजिंग दैट? सो व्हेन वी से इकोनॉमिक लाइफलाइन अमिड वेस्टर्न सेक्शंस में इंडियन इंक्लूडेड है या नेक्स्ट अप हाईली इनफ्लेमेबल गैस है और उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो दिस विल इंटीग्रेट कलरलेस है. हालांकि ईरान इनटू ब्रिक्स की गैसें भी ऐसी हैं. वी ऐड सर्टेन केमिकल्स टू मेक इट नॉट ऑडरलेस. राइट दिस विल इंटीग्रेट. सो मिथेन ईरान विद ये कि इट इज हाईली फ्लेमेबल. उसका फ्लैश पॉइंट बहुत कम है. मैंने यहाँ पे आपको बाकियों का भी लिखा हुआ है कि इथेनॉल का जो फ्लैश पॉइंट है दैट इज 16.6 डिग्री सेल्सियस. तो अगर इससे नीचे है तो इथेनॉल विल नॉट बर्न विल नॉट गिव आउट वेपर्स. ईरान को इंक्लूड करना वैसे मेरे हिसाब से तो एक स्टेटमेंट. अब सोचो कि जिसका फ्लैश पॉइंट माइनस 188 डिग्री सेल्सियस इतना कुछ तगड़ी चीज ऑफर कर नहीं रहा है विच इज वेरी लो. इट्स अ स्टेटमेंट. एब्सोल्यूट माइनस 273 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके नीचे जाया ही नहीं जा सकता. तो बहुत लो टेम्परेचर पे ही वो बर्न हो जाती है मीथेन गैस. दैट इज व्हाई वी कैन नॉट स्टोर इट. यूएस को स्टेटमेंट और ग्रीन हाउस गैस है लिख लीजिए और अबंडेंस में है. So that is why it is a this problem signals, and when such kind of bacterial strains or for that matter any solution that comes for methane this wo important signals, ho jata hai iran ke liye khaskar right to ye upsc brics countries dono hi independence lapak ke padenge brics countries iske upar sawal dalenge countries plural mein aapke pre ke andar right n t r I e s apostrophe independence. similarly agar aap baki fuels from us hum log baki use karte hain aapko inka flash point kafi upar milega usse. मिथेन का बहुत ही लो है. दैट इज़ वाई उसका एक ही सोल्यूशन है कि जब मिथेन निकलती है आपके जब आप नहीं रहते हैं क्रूड ऑयल को निकाल रहे हो और उन्होंने अपने उस पे लगाया ना सेंक्शन एलिमेंट्स को लगा पढ़ना इसके बारे में. सेंक्शन है क्या? डीजल निकाल लिया रिफाइन कर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. मिथेन उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है. अगर आपने उनसे ट्रेड किया तो आपके पास दो ऑप्शन है. या तो मिथेन रिलीज कर सकते हैं आप स्टोर नहीं कर सकते या फिर उसे जला दो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज. अगर एक स्ट्रांग प्लेयर है राइट वो बिकॉज़ मिथेन को ब्लैकलिस्ट कर रहा है 8 टाइम्स मोर एक्चुअली वो हो जाता है ब्लैकलिस्ट. सो वी प्रेफर वी बर्न इट है ना. कोई भी आप ऑयल रिफाइनरी देखना उसके ऊपर परमानेंटली आग लगी होती है. जब रिफाइनिंग चल रही है वहां पे आग लगी होगी ऊपर चिमनी के टॉप पे. देखी हुई है वो ये होता है मीथेन. मीथेन कैन नॉट बी स्टोर्ड. मेजर मिडिल ईस्ट इकोनॉमी. चलिए पहले इस बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं फिर थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में इन जनरल देख लेते हैं. एक लिस्ट बना लेते हैं कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सी है सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सी है. दो लिस्ट बनेंगी राइट. चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह सबको पता ही है इसका. अगर मेजर मिडिल ईस्ट इकोनॉमी है इसका मतलब वहां से पैसा कमाने का भी जरिया है. वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है उधर. 28 टाइम्स नहीं 85 टाइम्स यूएई आई एम सॉरी डॉलर्स के खिलाफ होता जा रहा है तभी उसने इंडिया से साइन किया. बैक्टीरियल स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है इसको एज इट इज याद कर लेना. मिथाइलो 2V माइक्रोबियम यूज ऑफ करेंसीज अदर देन यूएस डॉलर दूसरा कोड नेम है. वो दोनों चीजें आपको याद रखनी है एज इट इज. यूपीएससी ने 3 साल पहले डालना छोड़ा है ये बट वो कभी भी ट्रेंड पे वापस जा सकते हैं डायरेक्टली अदर देन यूएस डॉलर्स. और कौन सा रीजन है या फिर रीजन बता देते हैं कौन सी स्पीशीज मिली है डायरेक्ट और सारे साइंटिफिक नेम कॉम्प्लेक्स नेम्स. टेंडेंसी है यूपीएससी काम करता है यूएई अपने पुराने रंग छोड़ते हैं. कोई भी नहीं छोड़ पाता है. यूपीएससी भी नहीं छोड़ेगा. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 30% ऑफ द टोटल ग्लोबल वार्मिंग मिथेन. बिल्कुल अगर आपने इंपॉर्टेंट किसी बड़े बंदे से पंगा लेना है ये पर्टिकुलर स्ट्रेन क्या करता है नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. तो यूएस के हक में नहीं है कि अगर इंडिया ने मान लो उससे डील कर ली मैंने कहा तूने उससे बात नहीं करी. मिथेन इज डूइंग इंडिपेंडेंट बिजनेस आर इफेक्टिव बट दे ग्रो ऑप्टिमली एट मिथेन कंसंट्रेशन ऑफ अराउंड 5000 टू 10000 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है ज्यादा नहीं है ये कमी है पर इट इज अ गुड थिंग. जो पर्टिकुलर ये वाला स्ट्रेन है
इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ बेस्ट परफॉर्मेंस एट 500 ppm व्हिच इज गुड फॉर अस नॉन अलाइनमेंट है ना, हमारे लिए बेटर एफिशिएंसी से ज्यादा होएगा तो वेल एंड गुड है, वो सांस ट्रेड करना है यूएस में फायदा यूएस एंड इवन ग्रो वेल एट 200 एंड पार्ट्स पर मिलियन को अगर प्रॉब्लम है कि तुम उससे क्यों कर रहे हो तो मत करो, साथ में अगर आप रिएक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि क्या रिएक्ट होता है, तभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि यार आप ना कंट्री स्ट्रांग करो, पहले आप अपने रिसोर्सेज बनाओ, आत्मनिर्भर भारत, आपके घर में अगर आपसे इतनी खेती कर रहे हो उतना ही बाद में बनेगा, आपका फॉर्मल्स बेचने जा रहे हो तो फिर आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा खाना भी रुक जाएगा, मेरा ऑयल इज द रिएक्शन है ना, और एनर्जी सिक्योरिटी हम इन चीजों से कर रहे हैं, तो सेल्फ सफिशिएंसी इज द की यहाँ पे, अगर आप डिपेंडेंट हो गए तो बंदा टर्म डिक्टेट कर सकता है, जिसपे आप डिपेंडेंट हो और वो बंदा आपको टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, भी मिथेन है उसका 78% ये जो है बायोमास में रन कर देगा व्हिच कैन बी यूज्ड, आप उनसे पैसा ले रहे हो भी ठीक है, चाहो ना चाहो सामने जो है नेक्स्ट पॉइंट में गिवन है बायोमास प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन निकल सकते, दे विल ऑलवेज प्रोड्यूसेस बायोमास आफ्टर कंज्यूमिंग मिथेन जस्ट बिकॉज़ यू आर डिपेंडेंट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ फीड इन एक्वाकल्चर, टोन बदल जाती है घर वालों से बात करने की जब आप इंडिपेंडेंट हो, नीचे स्टैट भी गिवन है राइट दैट एवरी टन ऑफ मीथेन कम नहीं हो रही वो अच्छी परवरिश और वो सब बैक्टीरिया कैन जनरेट 0.78 टन ऑफ बायो, और अगर आपने किसी बंदे से डील करनी है तो उसके उसकी हैसियत तक पहुंच के डील करोगे तो बेटर डील मिलती है ना, क्लियर, बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूं, कैसे काम में आएगा एज इट लास्ट पॉइंट आंसरों में ये बाकी याद करने थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा देख लो, अगर याद रहते तो वेल एंड गुड है ना, सॉफ्ट पावर द स्टडी सजेस्ट दैट ग्लोबल एवरेज टेंपरेचर राइज मुद्दा हमें पता है कैन बी रिड्यूस्ड ठीक है जी चलिए बाय 0.21 टू 0.22 डिग्री सेल्सियस विच इज अ गुड नंबर अ वेरी गुड डेटा पॉइंट यहाँ पे अच्छा नंबर है थ्रू मीथेन रिमूवल, अगर मीथेन निकल जाएगा तो इतना टेम्परेचर डाउन, इजिप्ट का क्या मसला globally. है इट इज इन्फ्लुएंशियल है ना, और मीथेन कैसे रिमूव होगा इन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट, ये दोनों जगह इन्फ्लुएंशियल है, स्टार्टिंग इज द लार्जेस्ट एरोप्लेन के बारे में कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है पॉइंट वहां पे, इट इज एन ऑर्डरलेस मीथेन इज एन ऑर्डरलेस दैट इज व्हाई योर इंडियन फॉरेन सर्विसेज की जो पोस्ट है वो इसी एग्जाम के थ्रू निकलती है, ऑर्डरलेस कलरलेस तो करके हमें ये सब देखना पड़ता है, फ्लेमेबल गैस, नेक्स्ट इज इथियोपिया, यहीं पे कॉमा डाल के सेमी कॉलन डाल दीजिए, अफ्रीका विद द फ्लैश पॉइंट ऑफ With a flash point उसका जो decadal growth rate है इथियोपिया का 188 degree Celsius. Fastest growing African economy. Minus 188 degree Celsius. इसको कैसे अगर मान लो अपने answers में लिखना हुआ तो you can use terms like this will strengthen the okay. वहाँ पे 85 times जो given है, that is on 20 African continent. It is the gateway to the African continent. वैसे अगर आप उसकी efficiency lab के अंदर measure करोगे short time ऐसे करके लिखना होता है. 28 only. ठीक है जी. Next बचा हमारा Argentina. तो अगर dramatic करना है ना उसको, तो 85 लिख के 28 time scale mention कर देना साथ में. Answer को dramatic करना. Major emerging economy. Flash point की definition लिखिए. Latin America. ये आ सकती है paper में. NCERT से उठाई हुई है. Latin America. Flash point is the temperature. Second is has close ties at which Brazil a particular organic compound at which a particular organic compound gives off OFF gives off sufficient vapor टू इग्नाइट इन दी एयर. आखिरी के दो टॉपिक रह गए, उड़ते उड़ते से पढ़ते हैं इसको, ज्यादा कुछ है नहीं उनमें. एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है दैट इज नमो 108. पीसीएस में क्या सवाल आएगा इसके ऊपर नमो 108 और वो स्टार्टिंग वाले वो वाले पॉइंट्स याद रखने हैं कि ऑर्डरलेस कलरलेस है ना, और चार ऑप्शन दे देंगे वो, इट इज कंफ्यूज नहीं होना इसमें है ना. मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज ऐसे लिस्ट से बना लेते हैं ना,
फिर हम एफिशिएंसी के ऊपर देख लेंगे। ये दो ही सवाल बनते हैं, अगर ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर सवाल आएगा तो यही आएगा, कौन सी सबसे ज्यादा। ठीक है जी, फटाफट देखते हैं इसको, ज्यादा कुछ है नहीं इस करंट अफेयर में अभी, जिसकी वजह से हमें लास्ट में हम चलेंगे ऐसे टॉपिक पे जिससे शायद आप लोगों ने भी कभी ना कभी या तो किया होगा या हुआ होगा आपके साथ, रैगिंग है ना, उसके लीगल प्रोविजंस देखते हैं कि क्या है रैगिंग के ऊपर स्टैंड आपके सुप्रीम कोर्ट का, यूजीसी का, और व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, है ना, कॉग्निजेबल, बेलेबल, कंपाउंडेबल, तीन टाइप के होते हैं ना, बेलेबल, नॉन एबल, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। ये सही है, थोड़ा ट्रेलर दे दिया आपको, है ना, आने वाले में। चलिए, इसमें सेकंड पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ डेवलप्ड बाय CSIR NBRI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, बाय द वे इसी के साइड पे आप एरो डाल के लिख सकते हैं, CSIR इज द लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट R&D ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। रिजॉल्व हो गया, आ जाओ बच्चे, लेट्स डू इट। तो हम अभी बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड इन 1942, CSIR के बारे में लिख रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड, आ जाओ जोन में वापस, 1942 वापस आओ। हम लोग बात कर रहे हैं मिथेन के बारे में, और हमने ये देखा कि मिथेन को हम स्टोर नहीं कर सकते, फंडेड बाय एक ऐसी गैस है जो कि बहुत ज्यादा पोटेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत ज्यादा बढ़ाती है, वी कैन नॉट स्टोर इट, यार प्लीज, है ना, अब हमको उसको ट्रीट ही करना पड़ेगा इन सम अदर फॉर्म, व्हेन वी आर बर्निंग इट डायरेक्टली, साइंस इट इज नॉट एन एफिशिएंट फॉर्म, और हर जगह बर्न कर भी नहीं सकते हो, राइट, फॉर एग्जांपल ऐसा ना किया करो यार, जो बोल दिया करो, राइस के खेत, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चावलों के खेत, व्हिच इज अ मेजर, जहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन कट कर दी वहाँ होगी मिथेन निकलेगा, मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस तब पहुंचेगा, तब तक तो बात गाड़ी कहीं और स्टेशन आने वाला होता है, H2O चंडीगढ़ से निकल चुकी होती है वाला, इसको एज इट इज याद रखना, और हो सके तो अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है, जैसे बोल दिया करो, वर्स्ट दैट कैन हैपन इज कि आपने बहुत ही गलत चीज बोल दी, आई कैन गारंटी कि सेकंड नंबर पे कौन सी होगी, सेकंड नंबर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ लिम्स, हाथ पैर उतने ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा, सीख जाओगे। ठीक है, इसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि नमो 108 किस चीज की वैरायटी है, क्यों स्पेशल है, इट इज बिकॉज़ इट हैज 108 पेटल्स, किसी ने 108 कंपाउंड के साथ में, तो इसलिए का जो हमारा नंबर है नहीं करते हैं, दैट होल्स इसमें एंटर नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इज मीथेन, पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे एबंडेंस सिक्स पॉइंट है, द नंबर 108 होल्ड्स ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन हिंदूइज्म, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड फॉर दैट मैटर एवरी रीजन दैट हैज नाइट्रस ऑक्साइड बडेड आउट ऑफ हिंदूइज्म, लैंडिंग एन एडिशनल लेयर ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस न्यू लोटस वैरायटी, राइट, ओजोन एंड नमो इज नॉट इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू थिंक, इट इज इंस्पायर्ड बाय, नीचे लिखा हुआ है ओम नमः वासुदेव, CFC अपने लेवल पे एक बार सर्च कर लेना ये देखने के लिए कि ये ऑर्डर में से उपनिषद से आया है ये टर्म और इसका क्या मतलब HFC है। साथ में इसके एक और है कि दिस वाज अ पार्ट ऑफ वन वीक वन लैब इनिशिएटिव, इसके अलावा जिसके अंदर CSIR जो है तो वो आपको हर एक लैब के नीचे एक लैब को शोकेस करता है। ठीक है, ये हमने टॉप कितनी है, 5-6 हो गई, अचीवमेंट्स क्या है, 7 हो गए। ठीक है, तुमने टॉप 7 देख लिया, सवाल कैसा बनेगा, कोई भी वन वीक वन लैब इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इस करके आएगा, इस टाइप से आएगा, नाउ राइट द मोस्ट एफिशिएंट ग्रीन हाउस CSIR व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट। नेक्स्ट वी हैव NBRI निहार, अगले पेज पे देखेंगे, वो आप स्लाइड पे मैंने डाला नहीं है, नंबर इज NBRI निहार इज, इट इज अ वैरायटी ऑफ CFC जिसके अंदर आपके 2.5 गुना ज्यादा जेल यील्ड होगी, कौन से वाला पर्टिकुलरली, इट इज PFC14 ब्रैकेट में लिख लीजिए, जीनोम सीक्वेंसिंग से ग्रो किया गया, सो इट हैज हायर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज एज वेल। तो अगेन सवाल कैसे आएगा कि NBRI जस्ट फॉर योर ट्रिप क्या चीज है ना, 6000 या फिर मैच द फॉलोइंग के अंदर आ सकता है, पोटेंट नमो 108 NBRI निहार, राइट, क्या है नेक्स्ट, वी हैव ये आपने सुना, तीन चार चीजें और जैसे अदर लॉन्चेस के अंदर आई हैव गिवन हेक्साफ्लोराइड SF6, ये हमने क्लास में कवर भी किया था। अदर लॉन्चेस क्या हैं, अपैरल माने कपड़े, अपैरल मेड फ्रॉम लोटस फाइबर, एक परफ्यूम निकाला है विच इज कॉल्ड फ्रोटस, नो यहाँ पे छोटा सा कैच है फ्रॉम द लोटस, तो वो ग्रुप पूछेंगे, देन वी हैव NBRI गाउट, गाउट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ऑप्शन में CFC है, गाउटी अर्थराइटिस होता है, तो हम CFC मेडिसिन है ये, नो SF6 इज इन इटसेल्फ डेटाबेस ऑफ
चेयरमैन ऑफ यूजीसी इट इज 23,000 टॉपिक रिलेटेड है लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ऐसी ट्रिविया है नेक्स्ट वी हैव नाइट्रस शांति स्वरूप भटनागर वॉज द फाउंडर ऑफ CSIR बस इतना ही है इसके बाद मतलब बीच में एक दो गैसेस और आती है देन वी हैव मीथेन देन वी हैव फर्स्ट चेयरमैन ठीक है एंड ऑल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC कौन सी रेडिएशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है मतलब और भी इन्फॉर्मेशन है कि 1941 में ही वॉज नाइटेड नाइट की उपाधि स्पेक्ट्रम होता है ना एंड ऑल्सो पद्म विभूषण बाय इन 1954 है ना नॉट दैट टेरेस्ट्रियल हीट होती है दैट इज इंफ्रा रेड चलिए राइट जब चले आगे बहुत सारी टाइप की लाइट्स आती है और अर्थ में सारी एब्जॉर्ब हो जाती है रैगिंग IR इज रिलीज अर्थ से जब निकलती है वो IR रेडिएशन निकलती है IR रेडिएशन इज द वन व्हिच कॉजेस योर ग्लोबल वार्मिंग नहीं की एब्जॉर्ब करती एब्जॉर्ब ही सारी करती कॉलेज गए UVB ऑफलाइन UVB को एब्जॉर्ब वो वाला बैच तो नहीं रेडिएट जो कोविड में घर बैठा IR इज द वन व्हिच गेट्स एब्जॉर्ब बाय योर एटमॉस्फेयर एंड ग्रीन हाउस गैसेस गए थे ग्रीन हाउस गैसेस आप कुछ टाइम करते कुछ टाइम आप 3-4 साल नहीं निकाले कॉलेज में मार्केट इज विटनेसिंग द इनफ्लक्स ऑफ द पीपल जो कि जिनका बैच कोविड में था रैगिंग गंदी होती द सनलाइट आप लोगों ने तो खैर नहीं फेस करी विच इज वेरी गुड लेकिन आप लोग खैर अवेयर जनता में से भी आते हो ये जो यहाँ पे चले चांद पे चले वो एक्चुअली में दे टेक वेरी गुड चंद्रयान ऑफ दिस थिंग राइट लेकिन अब थोड़ा सा सेंट्रल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर जाओ सेंट्रल इंजीनियरिंग NIT टाइप और चलो ठीक है यहीं से शुरू करते हैं या फिर इनका सवाल है गए मिडल में यहाँ अच्छी खासी टाइप की होती है रैगिंग है ना एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक ह्यूमिलिएशन में कन्वर्ट ना हो तब तक इट हेल्दी सी भी लगती है लोगों को राइट है ना दैट इज व्हाई इफ वी लुक एट द रिसोर्सेज डेफिनेशन लेट अस रीड आंसर लेके आएंगे ये बाय द वे सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है जो ये आप एज डेफिनेशन लिखी हुई है ना एक समय पे डिसऑर्डरली कंडक्ट पे जाएंगे कैसे एनीथिंग दैट इज आउट ऑफ ऑर्डर ऑर्डर कौन डिसाइड करता है कोड ऑफ हम लोग ना राइट एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट ह्यूमैनिटी बाय वर्ड्स स्पोकन इसीलिए प्लैनेट का बाय एन एक्ट बिकॉज़ वी डू नॉट सेटल दैट इज द इफेक्ट ऑफ टीजिंग वी डू नॉट सेटल सबसे पहले हम लोगों ने लूडनेस एनी अदर स्टूडेंट खोज दिया ठीक है जी जहां जहां पे लैंड पे जा सकते थे नेक्स्ट वी डिड वाज इट इंडल्जेस राउडी और इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज दैट कॉज अनॉयंस हार्डशिप और साइकोलॉजिकल हम और टू रेज फियर और एप्रिहेंशन देयर ऑफ तो ये इस टाइप के फ्रेशर आपके और जूनियर स्टूडेंट राइट तो ये रैगिंग की डेफिनेशन है मतलब आई डोंट नो कि आप लोगों ने खैर स्टोरी सुनी होंगी अपने सीनियर से पहले या फिर घर वालों से कि रैगिंग होती कैसी थी पहले राइट इट इज एक्चुअली वेरी डिमीनिंग उस टाइप में नाउ इफ वी सी ऑन द नेक्स्ट पेज आई गेस हाँ साइकोलॉजी बिहाइंड क्यों कर रहे हैं एनी आइडिया कब से बंद है स्टार्टिंग में मैंने जब आपसे सवाल पूछा था कि आप लोगों के साथ रैगिंग हुई है आपने बोला नहीं फिर मैंने बोला आपने की है आपने बोला नहीं हो गया जनरली दीज बोथ थिंग्स आर कनेक्टेड अगर कोई बंदा पहले वाले का सवाल एक्चुअली बहुत सिंपल वाले का भी यस मिलेगा ही और शी मे और मे नॉट लाई पर होता है क्या लगता है राइट सेम इज द केस विद जब हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो केसेस देखते हैं हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डेटा है ये उन्हीं का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्ट्रेस पॉइंट है ये जिसमें एक जो जनरेशन है वो विक्टिम कितना एंड हो जाएगी दे वॉन्ट बी द परपेट्रेटर्स डोमेस्टिक वायलेंस में भी यही देखने को मिला है ये जनरल एक टेंडेंसी है एलीट ग्रुप में आ जाएंगे हम लोग सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ अगर लिखोगे कहीं पे आंसर में बहुत सोच समझ के लिखना बेसिकली जो सवाल गलत मैसेज में चला पूछा था राइट जैसे फॉर एग्जांपल एक आया था कि ये किसी का आंसर था आई डोंट रिमेंबर द नेम इसके कंटेंडर में आ जाएगा थैंक गॉड दैट आई डोंट रिमेंबर द नेम ओशन जो आंसर में वो लिखा हुआ था मैं बोलना चाह रहा था इस एंगल पे जाना चाह रहा था वो सवाल बाय द उसमें उन्होंने समुद्रयान के ऊपर था
एक इतना बड़ा पैराग्राफ मेंशन कर दिया कि इन अ कंट्री जहाँ पे गरीबी है वहाँ पे समुद्रयान मिशन किस काम का, एक एलिमेंट ऐड कर दिया उस आंसर के अंदर। हम टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो जो भी है वो यूज कर सकते हैं, स्पेस टूरिज्म के लिए कर देंगे। अब थोड़े नाम बन गए इंडिया का कि यार इन्होंने जो वो कौन सी सेक्रेट गेम सी जिसके अंदर बोलता है चांद पे है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी उसके अंदर। तो अब हम नई डिबेट कैसे ऐड कर सकते हो, मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जाने के लिए, एनीवेज टूरिज्म देख सकते हैं। इस टाइप की डिबेट जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी है कि परपेंडिकुलर पॉइंट्स मत दिया, जनरली कनेक्टेड होते हैं, है ना। एक और सा एनसीआर के लिए हाथ मार दिया ब्यूरो, वो भी यही स्टेटमेंट देता है। तो ये बहुत केयरफुली यूज करना है, ये ऐसी वाली सुई है जो आपके हाथ पे डिवाइड करो अगर सही से नहीं पकड़ी तो दिमाग में, ठीक है। चलो अभी तो खैर साइकोलॉजी बिहाइंड जो मन में आ रहा है बोल रहे, पर दिमाग में द कॉज ऑफ इंडल्जिंग इन रैगिंग इज हमारी साइंस एंड टेक के लिए क्या मतलब, डिराइविंग हमारे जियोपॉलिटिक्स सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक इज कि जब आप किसी को परेशान करके खुश होते हो, राइट। जैसे अगर किसी ने कोई पेट रखा हुआ, फर्स्ट पर्सन में आप स्टेप डाउन देते हो, पेट परेशान होता था एंड सेकंड वाला आपको मजा आता था, ये भी हमारी नेचर के अंदर है अनफॉर्चूनेटली। बज ऑल्ड्रिन अदरवाइज वी वुड नॉट बी हैविंग, बज ऑल्ड्रिन की एक स्टेटमेंट है कोलोसियम, जब वहां पे ना पे ग्लैडिएटर्स वर फाइटिंग टिल डेथ और लोग पहली बार इसको देखने के लिए, तो देयर इज अ सैडिस्टिक प्लेजर इन अदर्स पेन, ये हमारी स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट अ जायंट लीप फॉर द मैन का बेट लगाते हैं, वही सब चीजें। बस और जाम में होता है डॉग, देयर इज इलीगल डॉग फाइटिंग, आई वांट टू टेक रूस्टर फाइटिंग पॉलिटिशियन, ये सब चलता है, वो क्या है एंड वॉर जनरल प्लेजर टू द किसी को तकलीफ हो रही है और वहां जाके मैं कहूंगा कि अर्थ को देखो एंड इमीडिएटली ऑल द प्रॉब्लम्स, सो ये सेम कॉज है इसका यहां पे, राइट right? कि यहाँ से बॉर्डर राइजिंग सैडिस्टिक प्लेजर और शोइंग ऑफ पावर अथॉरिटी सुपीरियरिटी बाय सीनियर्स ओवर देयर बॉर्डरलेस वर्ल्ड, क्या एक्चुअल पावर है नहीं, इस टाइप का मिशन आपको आपके लोकल प्रॉब्लम से, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है इसके ऊपर, थिंकिंग है बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे इसको, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में बार बार लिखा हुआ है एज अ मेनेंस अ प्रॉब्लम दैट शुड बी एरेडिकेटेड, सर्वदा मेनेंस मतलब है वो सर्वदा वाला एजुकेशन है, पाकिस्तान का भला क्यों लिखा हुआ है उसमें, क्रॉस द कंट्री, ठीक है, उन्होंने इसको प्रॉब्लम बता दिया रैगिंग को, इट इज इशू नहीं बताया इसको एग्जैक्टली, तो इस टाइप का मिशन आपको वहां ट्रांसेंड करता है, इसकी जगह नहीं है समाज। अगेन थोड़ा सा और एक फिलोसफिकल एंगल पे अगर हम जाएं, साइंस के फिलोसफी के गाइडलाइन इशू करिए सुप्रीम कोर्ट ने, पढ़ा होगा उसके बारे में, मैंने लिखवाया भी था, और कार्दाशेव स्केल की एक सिविलाइजेशन, ये आप पढ़ लिख सकते हो कहीं पे, के ए आर डी ए एस एच ई वी, एक स्केल है, आगे देखते हैं बच्चे, जिसके अंदर टाइप वन टाइप थर्ड पॉइंट देखिए कॉग्निजिबल ऑफेंस, धीरे-धीरे ऑयल खत्म हो रहा है जहां पे अरेस्ट कैन बी मेड, ऑयल खत्म हो जाएगा तो कॉग्निजिबल ऑफेंस, सेम में भी रिपोर्ट के बियॉन्ड जा रहे हैं हम लोग, पहले कैंपस में पुलिस नहीं आती थी, है ना, तो ऐसे करके रिसोर्सेज खत्म, पहले नहीं आती थी, प्लैनेट के खत्म होंगे, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस निकाली है उसके बाद सोलर सिस्टम करेगा, फिर वो पूरी बात से यू मस्ट बी सीन दैट पूरे यूनिवर्स का करेगा, अ सर्टेन क्लास ऑफ गैंगस्टर्स आल्सो सिविलाइजेशंस है, तो इट इज बाउंड टू गो फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स, कि जब पुलिस अर्थ अगर एग्जॉस्ट कर दी यू आर बाउंड टू गो, इंटरलिंक्ड होती है प्रॉब्लम सारी। इसमें एक और एंगल है, फोर्थ पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट द सुप्रीम कोर्ट डेल्ट विद द रैगिंग इशू in which it appointed a committee headed by former CBI director R.K. Raghavan, name is important, moon hai ki hum R.K. Raghavan ki jo committee head hui thi humans ko bhejenge, wo kis issue ke liye hui thi, that is the issue of ragging, we are looking for habitable planets, all kafi potential hai iska, PCS billions and billions, thoda careful rehna, search UPSC mein bhi aa sakta hai, UPSC committees wala kam puchne lag gaya hai वैसे, when you are launching a rocket pehle bahut puchta tha isme gravity zyada hai, तो अगर आपने लॉन्चिंग पैड जो रिकमेंडेशन जो आई थी वही यूजीसी ने गाइडलाइंस के फॉर्म में कर दी है कि आपको पानी भर के लेते हैं, क्योंकि आप Every gram that you offense is a cost होता है, अगर पुलिस आ ही सकती है तो उनको टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस पता होना चाहिए, करोगे उतना अच्छा है, वो कम कैरी करना कैसे पॉसिबल है, बेलेबल नॉन बेलेबल रिसोर्स चाहिए की जरूरत नहीं है, तो हम वहीं ढूंढ लेंगे कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल, और वहां पे ग्रेविटी में लिख लीजिए आप बच्चे, तो रॉकेट को उतना फ्यूल नहीं लगेगा टेक ऑफ करने में जितना अर्थ से लगता है, इन व्हिच तो वो एक बेस स्टेशन बनेगा आपका, जैसे आर्मी कैंप लगाती है ना, आप यहाँ से लेकर लद्दाख तक जाओ तो बीच में आपको कई जगह आर्मी की डेट्स मिलेंगी जहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक जगह पे एम्यूनेशन पड़ी है बहुत सारी, कैन अरेस्ट है ना, इट्स अ बेस कैंप, ट्रांजिट कैंप्स बोलते हैं कहीं को, सो ये आपका ट्रांजिट कैंप बेस कैंप बनेगा कॉन्विक्ट का, राइट। जियोपॉलिटिक्स हमने देख ही लिया है ना, जितना ज्यादा कल्चरली नाम चलता है उतना ज्यादा विदाउट वर्ल्ड जो है कंट्रीज है वो आपकी डेमोक्रेसी कैन स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन, लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरकार के चेंज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन, तो अगर आप अपना कल्चर और इस परमिशन एक्सपोर्ट कर देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप में अगर बंदों को आम पता लग गया कि चंद्रयान ओ इंडिया, तो इमीडिएटली सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि इंडिया के फेवर में हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, इंडिया के फेवर में एक्शन होने शुरू हो जाते हैं, जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से एक्ट, ठीक है, जनरली जो केसेस होते हैं दैट इज नथिंग बट वी आर एक्सपोर्टिंग आवर कल्चर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो आप लोग
रेगुलर बेसिस पे देखते हैं. नेक्स्ट वी हैव नॉन वो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं आपकी मार्केट में, पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, व्हाट इज दैट? तो फायदा नहीं हुआ यूएस का ब्रांड, आप ब्रांडेड क्यों पहन रहे हो? What is the reason behind it? दिखता भी नहीं है. As well as cannot start. क्यों पहन रहे हो आप? That is an investigation. And by the way, cannot start. A few days back, Bansal sir से discussion हो रही थी. उन्होंने एक सवाल दे रखा है मेरे को. It's been 15 days. I'm not able to get the answer. कि इंडिया से ब्रांड क्यों नहीं निकलते? Why is India unable to produce brands? ऐसे वैसे ये खत्म हो गया. एक मिनट और लगेगा. Eventually आप भी सोचना अगर कोई इसका एक ही एक वर्ड मतलब एक लाइन का आंसर होगा इसका कि इसलिए नहीं निकलते. वो आंसर मुझे तो नहीं मिला. So such kind of activities आपको India as a brand generally crimes included होते हैं, that is crimes of forgery, ठीक है? अब तो इतराज नहीं है चंद्रयान से, इस टाइप के पैसे मार लिए, ठगी होगी. तो इसमें अभी गगनयान भी जाना है, अभी आदित्य L1 भी जाना है, पब्लिक न्यूज़ है ना, अभी समंदरयान भी जाना है. तो आप लोगों के सिलेबस में बहुत डिफाइंड, लास्ट वी हैव कंपाउंडेबल ऑफेंस, सुनने में बहुत ज्यादा कंपाउंडेबल ऑफेंस समझते हो? कोर्ट के बाद चंद्रयान पे अगर सवाल आता है, जो सवाल आना है आपको आज मैं पूरी तरह कवर करा दूंगा. द पार्टीज इन्वॉल्व बाहर आएगा जो भी हम करने वाले हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात. वैसे ही हमने समंदरयान द पार्टीज कवर किया भी था, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम वो भी कवर करेंगे, राइट? कैन डिफाइंड सिलेबस हो रहा है आपका धीरे धीरे, साइंस एंड कॉम्प्रोमाइज. ओके चले करें आगे. चलो वाइल द केस इज अंडर, वो सब इसके अंदर इंफॉर्मेशन मैंने नहीं ऐड करी है कि थर्ड नेशन फोर्थ नेशन बन गया है, पहला नेशन है, ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी. लेट अस सी. इट इज इंडियाज थर्ड लूनर मिशन, फर्स्ट टू बी चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2. सो मच. अगर आपके पास टाइम हुआ तो उसके बारे में भी शॉर्ट नोट लिखेंगे. अगेन लेट मी रिमाइंड यू दैट वी स्टार्टेड फ्रॉम हैट्स, क्या करना चाह रहे थे, हाउ इज चंद्रयान डिफरेंट फ्रॉम चंद्रयान 1 टू चंद्रयान, राइट? वी सॉ रैगिंग एटसेट्रा, राइट? और ये सेकंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट हमारा पार्शियली फेल हुआ था, या किसी ने डिपेंडिंग ऑन है ना योर साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, लिख लीजिए बच्चे, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था, राइट? सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुआ था, विच इज इन श्रीहरिकोटा, ब्रिक्स के आंध्र प्रदेश में, थोड़ा बे ऑफ बंगाल की तरफ है. चलिए ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ बनाने का इसका कारण है, इधर यहां से क्यों लॉन्च होते हैं? बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इंडिया ऑटोमेटिकली पुश मिलता है रॉकेट कार्ड ऊपर जाने के लिए, प्लस अगर वो फेल होता तो बे ऑफ बंगाल में गिरेगा, आपकी आबादी को नुकसान नहीं पहुंचेगा. एस कार्ड, राइट? सारे जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको स्पेस सेंटर्स मिलेंगे वो इधर को ही लॉन्च करते हैं, अर्थ अर्थ के पुश को यूज करते हुए, फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स सुपर पावर. इट इज एक्चुअली अ कंसीडरेबल फैक्टर, बड़ी बड़ी बात है, आपका टन्स में फ्यूल सेव होता है अगर आप इसके अगेंस्ट करोगे तो, फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स सुपर पावर. चलिए क्या दे डायरेक्टिव इसके अंदर, 6 पेलोड्स है, राइट? और ये जितने भी पेलोड्स हैं, इसको मैंने लिस्ट नीचे जो प्रॉपर लिस्ट है वो गिवन है कि लैंडर में कितने पेलोड्स हैं और आपके रोवर में कौन से पेलोड है, एक्चुअली अगेन अनाउंस द पेलोड करता क्या है. पीसीएस के लिए हद ज्यादा रहेगा, चाबी रमीज मेंस में सीधा पूछ लेंगे कोई ना आए, और चंद्रयान 3 के पेलोड्स बता दो और वो क्या करते हैं, सीधा आया भी हुआ है 2018 में, सवाल आया हुआ है सीधा, और आई थिंक उन्होंने चंद्रयान 1 के लिए पूछ लिया था, बट व्हाट आर द पेलोड्स ऑन चंद्रयान 1, क्योंकि वो 18 के अराउंड ही 16 या 18 में लॉन्च हुआ था. कब हुआ था चंद्रयान 1 लॉन्च? 8 में हुआ था. हाँ, तो उसके बाद में ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ था कि पेलोड्स क्या है, राइट? इसके सारे पेलोड सेम है एज चंद्रयान 2, सिर्फ एक अलग पेलोड है विच इज शेप. स्पेक्ट्रो पोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप, ये अलग पेलोड है इसमें बाकियों से, बाकी से राइट. इसके साइड पे लिख लो आपकी ये शेप करता क्या है. आई थिंक ये बाकी आपके पेलोड के अंदर मेंशन नहीं है, लैंडर और रोवर के. इट एम्स टू सर्च फॉर, इसी के साइड पे एरो डाल के, इट एम्स टू सर्च फॉर स्मॉलर प्लैनेट्स विद पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी, जहां पे रहा जा सकता है, with potential habitability by analyzing reflected light. By the way, planets को आप reflected light से analyze कर सकते हो, either gravitational interaction या फिर reflected light, अपनी तो उनकी है नहीं, ठीक है जी.
सेकंड वाला पॉइंट भी आई जस्ट गिव अ रीड है ना, बस आप दिमाग में बना लो कि ये क्या क्या करता है. द साइंटिफिक पेलोड्स ऑन द लैंडर एम टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लूनर एनवायरनमेंट. कौन कौन से हैं वो? दीज पेलोड्स इंक्लूड स्टडिंग लूनर क्वेक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सर्फेस, चेंजेस इन द प्लाज्मा विच इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, चेंजेस इन द प्लाज्मा नियर द सर्फेस, एंड एक्यूरेटली मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, बिकॉज मून इज गोइंग अवे है ना, 4 सेंटीमीटर पर ईयर से मून इज गोइंग अवे. सो आपके जो आने वाले पीढ़ियाँ होंगी लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स अहेड, दे वॉन्ट बी एबल टू राइट पोइट्री ऑन मून है ना, इसीलिए हम जा रहे हैं छोड़ के. हम किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मून्स बहुत सारे होंगे. इवन हमारा पड़ोसी प्लैनेट मार्स, उसके दो हैं यार है ना, राहु केतु, फोबोस एंड डीमोस. चलिए पेलोड्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं. लैंडर पेलोड्स, नंबर वन इज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट. ये आपको सारे एज इट इज याद करने हैं, ठीक है, खासकर पीसीएस के लिए एज इट इज याद करने, नाम समेत कि क्या है और ये क्या करता है. लेट अस राइट, इसी के नीचे लिख लो, ये जगह छोड़ रखी है आपके लिए. इट विल मेजर प्रॉपर्टीज थर्मोफिजिकल है तो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, एंड टेम्परेचर्स ऑफ द एलिमेंट्स. थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर्स ऑफ एलिमेंट्स. मून पे क्योंकि आपका एटमोसफेयर नहीं है तो इट इज नॉट दैट रेगुलेटेड एज अर्थ. अर्थ अगर किसी तरफ फेस, सन की तरफ फेस करती है तो हमारा टेम्परेचर तब भी रेगुलेटेड रहता है, रात को भी रेगुलेटेड रहता है. मून पे ऐसा नहीं है. मून पे क्या है कि जो तो आपका ब्राइट साइड है, इट गोज एज हाई एज 150 डिग्री सेल्सियस. आज क्या तारीख है, 29, कल वो है 30th इज आपका फुल मून डे है ना. सो लुक एट इट, इट इज 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्रीज मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट एट अर्थ सर्फेस ऑफ वाटर, राइट. तो और जो डार्क साइड चला जाता है, इट इज इन नेगेटिव. इसका आई एम फॉरगेटिंग द टेम्परेचर, कितना है नेगेटिव, 180 के आसपास. भूल गया मैं क्या टेम्परेचर, देख लेना एक बारी. तो जो डार्क साइड है उसका टेम्परेचर नेगेटिव में होता है, बिकॉज टेम्परेचर रेगुलेटेड नहीं है मून पे. इसीलिए हम मार्स को जब टेराफॉर्म करने की बात करते हैं, वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस नॉट ऑक्सीजन बट कार्बन डाइऑक्साइड, कि थोड़ा वार्म होएगा, जो आइस पोल्स के ऊपर है वो पिघलेगी, रिवर्स बनेंगी, तो हम रह सकेंगे वहाँ पे. उसके बाद में हम पेड़ इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि ऑक्सीजन आए, राइट. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट फॉर सर्वाइवल हमारे लिए. हमने क्योंकि उसको एक्सेलरेट कर दिया है, दैट इज वाई इट इज अ प्रॉब्लम, अदरवाइज इट इज एसेंशियल. ठीक है, लिख लिए इसमें थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर्स ऑफ एलिमेंट्स, और नीडलेस टू से कि ऑन लूनर सरफेस है ना, ये डेप्थ की बात नहीं हो रही है, सरफेस की बात हो रही है. नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी. ये भी नाम में से पता लग रहा होगा, टू स्टडी साइज्मिसिटी साइज्मिसिटी मतलब भूकंप रिलेटेड. To study the seismicity around the landing site seismicity से क्या क्या study करते हैं हम लोग, सोच के देखो एक बार. Earthquake तो करते हैं, earthquake से हमें क्या पता लगता है, movement है basically the structure inside. हाँ लिख लो फिर इसको, क्या लिखा हमने अभी तक, which will help to understand, which will help to understand the structure of the lunar crust and mantle. ठीक है, नेक्स्ट इज रंबा, नेक्स्ट इज रंबा, रेडियो
एनाटमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर. इसमें भी समझ में आ रहा होगा कि एक हमने सरफेस का कर दिया, एक हमने सब सरफेस का एक्सपेरिमेंट लगा दिया, और एक हम लगा रहे हैं ओवर द सरफेस, अबव द सरफेस, बेसिकली उसका एटमोस्फेयर आयनोस्फेयर पता करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है लिख लीजिए. इट विल प्रोब द गैस एंड प्लाज्मा एनवायरमेंट. आई वॉन्टेड टू होल्ड चंद्रयान्स टॉपिक फॉर दिस वीक क्योंकि इसको और ज़्यादा रिफाइन किया जा सकता है, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म. इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, यही है. पेलोड्स पता लग गए और आपको सॉफ्ट लैंडिंग और ये सब टर्म्स आपको पता ही है. विल प्रोब द गैस एंड प्लाज्मा एनवायरमेंट ऑफ द लूनर सरफेस. तो लैंडर के अंदर चार पेलोड थे आपके, चौथा पेलोड आपका रोवर इटसेल्फ. नेक्स्ट इज द अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर. रोवर का क्या नाम है? प्रज्ञान. ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें पता होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है ये, तो थोड़ी आप हल्का सा विजिलेंट रहो. प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान है, लैंडर का नाम विक्रम है. लिखा हुआ है ठीक है, लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो उसको जरा. लेट अस राइट अबाउट एपी एक्सएस. स्टडी द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लूनर सॉइल. स्टडी द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ द लूनर सॉइल एंड रॉक्स. जस्ट आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा और खोलने के लिए आई एम टेलिंग यू वन थिंग. लूनर सॉइल डज नॉट बिहेव लाइक द सॉइल ऑन अर्थ क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है और नदियाँ नहीं हैं. यहाँ पे सॉइल को एक्ट करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस हैं. सॉइल एक्चुअली जो सॉइल बनती है रॉक्स के उसके थ्रू, वहाँ पे अगर इम्पैक्ट होता है क्रिएटर बनता है तो क्रिएटर का क्रिएटर ही रह जाता है, वो प्लेन नहीं हो पाता बिकॉज अगेन एटमॉस्फेयर नहीं है, एलियन फोर्सेज नहीं है. ठीक है जी, ये फायदा होता है चंद्रयान पढ़ने का, छुट्टियां हो जाती हैं कल. नहीं, आई डोंट नो द रीजन, जितना उन्होंने बताया मुझे इतना ही पता है. ठीक है, वट एवर बी द रीजन, आप लोग कल, कल तो वो भी है ना. हाँ ठीक है, तो एंजॉय करो, बढ़िया है, जाओ ले लो, टेक वन डे ऑफ. कल इंस्टीट्यूट बंद रहेगा है ना, ऑनलाइन वालों आप भी सुन लो, कल ताला लगाएगा यहाँ पे. सो लूनर सॉइल डज नॉट बिहेव लाइक सॉइल ऑन अर्थ. अब पूरा वर्ल्ड जाना चाह रहा है वहाँ पे, सो दे नीड टेस्टिंग है ना, उनको टेस्ट करने अपने रॉकेट्स की डेबरी. जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका अपोलो मिशन गया था तो उन्होंने पुराने लैंडर के 180 मीटर दूर लैंड किया था एंड दे थॉट कि ब्लास्ट ऑफ इतने से इनफ रहेगा, बट दे डैमेज देयर ओन इक्विपमेंट बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ द सॉइल विल बिहेव. उन्होंने अपने ही इक्विपमेंट्स को डैमेज कर दिया. फॉर दैट वी नीड टेस्टिंग, दैट फॉर दैट वी नीड ऐसी सॉइल जो कि लूनर सॉइल के जितना क्लोज हो सके उतना सही रहेगा. सो वी कैन मेक कंपनीज हेयर जो कि लूनर सॉइल को बल्क में, अब एक बार आपको पता लग गया लूनर सॉइल कैसे बिहेव करती है, क्या कंपोजिशन है, आप कंपनी एस्टैब्लिश करो स्टार्टअप इंडिया के अंडर और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करो, टन्स में सप्लाई करो लूनर सॉइल के नाम पे. देर इज ओनली वन कंपनी इन द वर्ल्ड, यूएस बेस्ड, जो ये कर रही है और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है वो. इवन इसरो ने भी वहीं से परचेज किया था. सो वी कैन डू सच स्टार्टअप्स है ना. तो मतलब आपके सोच का दायरा उतना ही जितना आपने सोच रखा है, आप जितना खुल के इस पे जा सकते हो आप जाइए. और बेसिक पॉइंट्स एग्जामिनर को पहले ही पता होंगे, आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे ही तब जब उसका वो वाला फैक्टर आएगा कि वो है ये क्या कर दिया, राइट. और यू कैन प्ले ऑन दिस फैक्ट, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको आई है ना, दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज से कि बी क्रिएटिव इन योर आंसर्स. उन लोगों ने जिन लोगों ने आपके आंसर्स के अंदर डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, दे ईजिली स्कोर मोर बाय राइटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, राइट. चलिए इसके बारे में लिखते हैं. ये हमने लिख लिया एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लैंडिंग साइट, राइट.
दीज एलिमेंट्स इंक्लूड, कौन कौन से एलिमेंट स्टडी कर रहे हैं ये, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं इस सर्च के अंदर. देन वी हैव लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप. किसके बारे में? नहीं, दैट इज द रोवर ओनली. हाँ हाँ, इट इज द रोवर ओनली. वो जगह ज्यादा छोड़ दी उसमें मैंने, वो छोड़नी नहीं थी. यूटिलाइज दैट, मेक अ डायग्राम और समथिंग. ये LIBS में लिखिए प्लीज. इट विल फर्दर एनालाइज द एलिमेंट्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ the chemical and mineral composition of the lunar surface. Chemical and mineral composition. ये भी surface experiment ही है. Dark side of the moon के जो temperature है, that at मिनरल, मिनरल इज ए नेचुरल. हाँ, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिकल एंड मिनरल कंपोजिशन ऑफ द लूनर सरफेस. एवरेज उसका माइनस 180 डिग्री सेल्सियस है एंड इट कैन गो एज बिलो एज माइनस 230. सो एक साइंटिफिक माइलस्टोन है ये कि ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर आपको इक्विपमेंट्स लैंड ही नहीं, अपने सर्वाइव करवाने हैं और काम लेना है उनसे. सो एक्चुअली इट इज अ वेरी बिग डील. नासा, आई थिंक वो 1960s में वो जब फर्स्ट मैन स्टेप्ड ऑन द मून, राइट, 60s-70s का अराउंड था. टिल डेट दे आर मिल्किंग दैट काउ, टिल डेट, राइट. सो इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग. Now also we have, इसमें special points में अगर आप देखेंगे, एक global motto है जो कि India ने propose किया था, that is one earth, one family, one future, right? तो ये इसको promote करता है, इसको resonate करता है, right? And last point, जो जिसको आप अगर answer इसके ऊपर लिखोगे तो आप इसे utilize कर सकते हो, that success is seen as a triumph for all humanity. ये अपने आप में बड़ी स्टेटमेंट है, राइट, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, इंस्पायरिंग अदर कंट्रीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन. हम लीडर बन जाएंगे इसमें अब कि ऐसे मेजर मेजर एजेंसीज हैं विच हैड फेल्ड टू डू दैट, वी डिड इट. सो ऑटोमेटिकली आप आ गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी, है ना, तो उसके बाद में आपकी कही हुई बात की ऐसी वैल्यू बढ़ जाएगी. बात वैलिड है या नहीं है, लेकिन आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट. सडनली आपका ओहदा आपकी फैमिली के अंदर, आपके फ्रेंड्स के अंदर तो नहीं पर फैमिली के अंदर बढ़ जाएगा. और जहाँ पे आप नई जगह एस्टेब्लिश होने जाओगे तो आप एक अलग आइडेंटिटी ऑलरेडी कैरी करके जाओगे, राइट. हाँ वो भी है, वो थोड़ा सा इरेलीवेंट लगा मुझे, मतलब वो अगेन वी आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट आर कल्चर, बट अगर हम उसको, दैट इज नॉट एक्सपोर्टिंग द कल्चर. आ सकते हैं, मतलब अगेन आई एम अंडर द अजम्पशन कि आपको बेसिक पता होगा, लैंडर, रोवर, साइट का क्या नाम रख दिया, है ना, उस रॉकेट का क्या नाम था जिस रॉकेट से गया, राइट, इसरो का चीफ करंटली कौन चल रहा है, पहले कौन था, इसरो किसके अंडर आता है, राइट. इस टाइप की चीज़ें आई एम एज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है,
और आप देख लेना इसमें जो जो भी कीवर्ड्स आपको नहीं पता है ना, तो ये सब आप लोगों ने अपने लेवल पे रिसर्च करनी है, राइट। देख लेना इसको, सो देर आर बेसिकली फ्यू टाइप्स ऑफ मून मिशंस है ना जो अब तक हुए हैं, ये भी लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ मून मिशन। मैं ट्राई करूंगा कि हर किसी का आपको मेन मेन एग्जांपल दे दूं। टाइप्स ऑफ मून मिशन, जैसे ये तो लैंडर था, नंबर वन फ्लाई बायस, फ्लाई बाय समझते हो, पास से उड़ के चला गया, फ्लाई बायस, पासिंग नियर द मून विदाउट एंटरिंग द ऑर्बिट, ये कीवर्ड है यहां पे, विदाउट एंटरिंग द ऑर्बिट। इसके एग्जांपल्स अगर लिखना चाहो तो आप, रशिया का था लूना 3 मिशन एंड पाइनियर 3 एंड 4 बाय यूएसए, लूना 3 बाय यूएसएसआर, वो पुराना मिशन है। एंड पाइनियर 3 एंड 4, इसके अलावा वी हैव ऑर्बिटर्स, नेक्स्ट इज ऑर्बिटर्स, स्पेसक्राफ्ट एंटरिंग द लूनर ऑर्बिट, चंद्रयान 1, नेक्स्ट वी हैव इंपैक्ट मिशन, एक ऑर्बिटर से कोई प्रोब हम इंपैक्ट करवा देते हैं है ना, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर होते हैं और जो डस्ट वगैरह उड़ती है उसको एनालाइज करते हैं, राइट। चंद्रयान 1's MIP मून इंपैक्ट प्रोब, इसमें एक लाइन भी लिख लीजिए आप कि इंस्ट्रूमेंट्स मेक एन अनकंट्रोल्ड लैंडिंग, कई बार ट्रैक्टर की रेस फंस जाती है ना और बंदा गिर जाता है नीचे, तो जो ट्रैक्टर अनकंट्रोल्ड चलता है वैसे अनकंट्रोल्ड लैंडिंग की कहीं भी इन ए फिक्स एरिया। नेक्स्ट वी हैव लैंडर्स, मिशंस इन्वॉल्विंग सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून, लूना 9 एग्जाम्पल है इसका, लूना 9, न्यूमेरिक 9, नेक्स्ट इज रोवर्स, लैंडर्स एंड रोवर्स अलग चीजें हैं, रोवर्स, इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वही है। नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन मिशंस, ओनली नासा हैज अचीव दिस, बाय द वे बिटवीन 1969 एंड 1972 नासा हैड लैंडेड विद ह्यूमंस ऑन द मून 6 टाइम्स, तो इतना एडवांस है। एंड इसमें आप लिख लीजिए नासाज आर्टिमिस 3, ARTEMIS एंड रोमन न्यूमरल्स में 3, ARTEMIS 3, प्लान्ड फॉर 2025, विल मार्क ह्यूमैनिटीज रिटर्न टू द मून। जब पहले मून मिशंस हुए थे ना नासा के थ्रू, जब हुआ था, दैट वाज अ कोल्ड वॉर रेस,
कि कौन पहले भेजेगा. नाउ दे आर एक्चुअली, नाउ वी ऑल आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग कि वहां से क्या कुछ किया जा सकता है. रीड अबाउट द कार्दाशेव स्केल, उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा, थोड़ा खुलेगा दिमाग. चले आगे. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर, उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो. इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट दे के, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.